अगर इज़राइल के मिलिट्री सिमेट्री यानी सैन्य कब्रिस्तान के डायरेक्टर डेविड वारेन के आंकड़ों को सही माने और इस हिसाब से अनुमान लगाएं कि हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है, तो इज़राइल के ग्राउंड ऑपरेशन को लगभग 30 दिन हो चुके हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी 30 दिन में 720 घंटे होते हैं। अगर इज़राइल के सैन्य कब्रिस्तान के डायरेक्टर के मुताबिक हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि अब तक ग्राउंड ऑपरेशन से 30 दिनों में 720 सैनिकों की मौत हो चुकी है। यह सिर्फ एक अनुमान है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं, हिजबुल्ला यह दावा करता है कि लेबनान के बॉर्डर पर जो जंग चल रही है उसमें हिजबुल्ला के 80 लड़ाके मारे गए हैं, जबकि इज़राइल के करीब 10 सैनिक मारे गए हैं। जबकि हिजबुल्ला को सपोर्ट करने वाले देश ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई भी ये बयान जारी कर चुके हैं, इज़राइल के ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, लेकिन इज़राइल आंकड़ों को छुपा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में इज़राइल की सेना अपने मारे गए सैनिकों के आंकड़ों को छुपा रही है? इज़राइल की सेना प्रोपेगेंडा वॉर में हमेशा सबसे आगे रहती है, और आज भी इज़राइल और हमास के युद्ध में अगर देखा जाए तो हमास के पक्ष में बात करने वाले गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी पत्रकारों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। गाजा पट्टी के अंदर लगातार हुई बमबारी में अब तक करीब 45 पत्रकार मारे जा चुके हैं जो फिलिस्तीन के मुद्दे को कवर कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में गाजा के संचार तंत्र पर इज़राइल का 75% कब्जा है, और इज़राइल जो चाहता है वही सूचना गाजा से बाहर निकलती है, क्योंकि गाजा के अंदर इज़राइल की सेना अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है। और जहां तक इज़राइल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या का सवाल है, तो यहां एक और बात जाननी जरूरी है कि इज़राइल की डिफेंस फोर्स खुद को एक सुपीरियर आर्मी यानी सर्वश्रेष्ठ सेना की तरफ प्रस्तुत करती है, और ऐसे में वो कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने सैनिकों की मौत के ऐसे आंकड़े पेश करे जो दुश्मनों के मुकाबले ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ये भी है कि इज़राइल की ये सैन्य नीति है कि वो हमेशा दुश्मन के 10 गुना आदमी ज्यादा मारता है, और अब तक के आंकड़ों पर गौर करें तो गाजा के अंदर 15,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 7,000 लोग मलबे में दफन हैं। इनमें से मारे गए बच्चों की संख्या तो करीब 7,000 हो चुकी है, यानी गाजा में एक बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने पत्रकारों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि गाजा पट्टी में कोई नरसंहार नहीं हो रहा है। ये पूरा बयान आपको सुनाएंगे और इसके आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जॉर्डन भी गाजा पट्टी के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। लेकिन सबसे पहले अमेरिका के उस पाखंड के बारे में बताना जरूरी है जो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में जब पुतिन की मिसाइल यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रही थी और करीब 1,000 यूक्रेनी बच्चे हताहत हुए थे, तब अमेरिका ने यह कहना शुरू कर दिया था कि पुतिन नरसंहार कर रहे हैं। लेकिन गाजा पट्टी के अंदर हजारों मौतों के बाद भी अमेरिका इसे नरसंहार नहीं मान रहा है। यह अमेरिका के दोहरे मापदंडों का बुक टेक्स्ट एग्जाम्पल है। Hamas wants, make no mistake about it, is genocide. They want to wipe Israel off the map. They've said so publicly more than one occasion. In fact, just recently. And they've said that they're not going to stop. What happened on the 7th of October is going to happen again and again and again. And what happened on the 7th of October? Murder, slaughter of innocent people in their homes or at a music festival. That's genocidal intention. मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि यूक्रेन की घटनाओं को नरसंहार मानना और गाजा पट्टी की मौतों को नजरअंदाज करना वैश्विक पाखंड है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब तक गाजा पट्टी के अंदर 30,000 से ज्यादा लोग घायल हैं, और गाजा पट्टी के अस्पतालों की हालत क्या है ये पूरी दुनिया को नजर आ रही है। जॉर्डन ने गाजा पट्टी के घायल लोगों के लिए इजिप्ट के अंदर एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया है। किंग अब्दुल्ला के बेटे खुद इस अस्पताल की निगरानी करने के लिए गए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फील्ड हॉस्पिटल में मात्र 40 बेड हैं, जबकि गाजा के अंदर 30,000 से ज्यादा लोग घायल हैं, और इन हालातों में एक फील्ड हॉस्पिटल में मात्र 40 बेड का इंतजाम लोगों के साथ एक क्रूर मजाक है। ان شاء الله احنا زي ما بنعرف الجيش العربي ما شاء الله احنا دائما بنقوم بالواجب
اقل شيء نقدر نعمله انه نحاول نساعد اخواننا في غزه فلسطين. فأكيد بدنا نعمل أكثر دائما، بس أنتم ما شاء الله يعني فرصة أنكم تساعدوا الناس ونقدم الإشي اللي هم محتاجين. إن شاء الله إن شاء الله. كلنا فخورين فيكم وراح نتابع كل أمور أول بأول. أهم شيء التنسيق بيناتكم والمعنويات الضخمة. إن شاء الله. इजराइल अपनी टेक्निकल सुपीरियरिटी की वजह से अजय है। पिछले हफ्ते इजराइल ने हमास की ताकत को इस कदर नेस्तोनाबूद किया था कि पिछले हफ्ते 72 घंटे में इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर एक भी मिसाइल अटैक नहीं हुआ था। और जब सोमवार को तेल अवीव पर एक मिसाइल अटैक हुआ तो जहां से मिसाइल अटैक हुआ उस रॉकेट लॉन्चर को भी गाजा के अंदर जाकर इजराइल ने तबाह कर दिया। ये इजराइल की ताकत है। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा की माने तो हमास के लड़ाकों ने इसराइल के 350 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और टैंकों को उड़ा दिए हैं। हमास का दावा तो ये है कि इसराइल के 150 मरकाबा टैंक उड़ा दिए गए हैं। हमास तस्वीरें भी जारी कर चुका है, लेकिन फिर भी हमास की पकड़ गाजा से इसलिए ढीली पड़ चुकी है क्योंकि हमास के बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स पर इसराइल ने टैंक चढ़ा दिए हैं। इसराइल ही नहीं, अल शिफा अस्पताल में काम कर चुके डॉक्टर भी ये मानते हैं कि अल शिफा में हमास का हेडक्वार्टर हो सकता है। टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार ने यह दावा किया है कि फ्रांस 24 नाम के एक न्यूज चैनल पर एक ब्रिटेन के डॉक्टर ने इंटरव्यू दिया है। इस डॉक्टर ने 3 साल तक अल शिफा अस्पताल के अंदर काम किया था। गाजा के अल शिफा अस्पताल में काम करने वाले इस ब्रिटिश डॉक्टर का दावा है कि अल शिफा अस्पताल में कई ऐसी जगहें थीं जहां पर उसे जाने के लिए मना किया गया था। ये कहा गया था अगर वो वहां प्रतिबंधित क्षेत्र में जाएगा तो उसे गोली लग सकती है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास का हेडक्वार्टर होने का दावा करने वाले ब्रिटिश डॉक्टर ने अपना नाम नहीं बताया है क्योंकि उसे डर है कि ऐसा करने पर गाजा के अंदर मौजूद उसके सहयोगियों को हमास मार सकता है। अल शिफा अस्पताल में काम करने वाले इस ब्रिटिश डॉक्टर ने आगे कहा कि सावधान किए जाने की वजह से मैं गाजा के अल शिफा अस्पताल के प्रतिबंधित क्षेत्रों से दूर रहा, लेकिन मैंने कुछ संदिग्ध से नजर आने वाले ऐसे लोगों को अस्पताल में हर समय अंदर और बाहर जाते देखा था जो चिकित्सा कर्मी नहीं थे। ये लोग अस्पताल के बेसमेंट के अंदर जाते थे। The first time our forces entered the Shifa complex, they went in with a bomb sniffing dog and they discovered a truck full of ammunition. After revealing the shaft by the D9, they saw a circular opening and they couldn't see all the way down at the time, but further investigations and tools lowered down it revealed that this is a 10 meter deep shaft that leads to a corridor. At the end of that corridor, there is a blast-proof door with a shooting hole at the top of it. And our forces, after making sure that all defense mechanisms are dismantled, have opened that door that leads to another door that goes deeper into the complex. The understanding that this tunnel goes under the hospital. Israel Defense Force ne is British doctor ke interview ko aadhar banate hue ek bar phir kaha hai. इस इंटरव्यू से साबित होता है कि अल शिफा अस्पताल का इस्तेमाल हमास के आतंकवादियों के द्वारा हेडक्वार्टर की तरह किया जा रहा था। अब खबर इजराइल के साथ सबसे बड़े साजिश करते हैं। नेतन्याहू को उनके सबसे भरोसेमंद खुफिया अधिकारी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। इजराइल और पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट यह दावा कर रही है कि हमास के हमले के बारे में मोसाद को एक एक बात मालूम। पहले 7 अक्टूबर का हमला, जब इसराइल के साथ पूरी दुनिया को इस अटैक ने हैरान कर दिया, फिर 1.5 महीने तक गाजा पर बमबारी, 13,000 लोगों की मौत, गाजा का जर्रा जर्रा बिखर गया।
अक्टूबर भी था, नवंबर भी खत्म, लेकिन उससे पहले 24 नवंबर को सीज फायर के साथ बंधकों की रिहाई। इन सबके बीच एक रिपोर्ट तूफान बनकर आई है जिसने इजराइल के हमास के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को बहुत बड़े शक के घेरे में डाल दिया है। जितना बारूद गाजा पर नहीं गिरा उतनी आग इस रिपोर्ट में है। पश्चिमी मीडिया में खबर छपी कि 7 अक्टूबर को हुए हमले से पहले मोसाद से जुड़े बड़े अधिकारियों को हमास के हमले को लेकर इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी गई थी। फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल की इंटेलिजेंस ने ना सिर्फ इस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया बल्कि मोसाद के बड़े अफसरों ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अब खारिज करने का क्या मतलब है? क्या मोसाद का कोई बड़ा अधिकारी हमास से मिल गया था? क्या मोसाद के अंदर हमास का स्लीपर सेल बन चुका है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी हमास के लिए डबल एजेंट बन गए हैं? सात अक्टूबर को लेकर इजराइल में बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इसके जवाब जब तक नहीं मिलेंगे बहुत सी गलतफहमियां बनी रहेंगी, जिसमें शक नहीं कि 7 अक्टूबर को हुआ हमला मोसाद की सबसे बड़ी नाकामी रही। पूरी दुनिया ने इजराइल के सुरक्षा चक्र को ढहते हुए देखा और अब मोसाद पर ऐसी उंगलियां उठ रही हैं जिससे ये बात साफ हो रही है कि 7 अक्टूबर को हुआ हमास का हमला एक तरह से होने दिया गया। इस बात में कोई शक नहीं कि इजराइल की सबसे हाई प्रोफाइल इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पूरी तरह फेल हो गई। हमास ने जब 7 अक्टूबर को खुल्लम खुल्ला इजराइल पर हमला किया तो उसने 1200 इजरायली नागरिकों की हत्याएं की और साथ में करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया। हमास इन रिमार्केबल एक्ट ऑफ क्रिएटिविटी बर्स्ट थ्रू द बॉर्डर्स ऑफ गाजा एंड सीम्स टू हैव टेकन अ नंबर ऑफ इजरायलीस हॉस्टेज. They've never really done that before. This is unprecedented, and in some ways, from the Hamas perspective, they've done in 2023 what Egypt did in 1973. 7 अक्टूबर का हमला वाकई बहुत खतरनाक था। इजराइल चंद घंटों तक समझ ही नहीं पाया कि आखिर क्या हो गया, किसने हमला किया, किसने मारा, किसे अगवा किया और कौन कहां से आकर कहां लौट गया। इजराइल का पूरा सुरक्षा अमला अंधेरे में रहा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब मोसाद के बड़े अफसर को बताया गया कि हमास की तरफ से बड़े हमले का खतरा है तो उसका जवाब था कि ये सिर्फ ख्याली बातें हैं। हमास को लेकर जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें गाजा से लगी दीवार और बाढ़ के आसपास की वीडियो रिकॉर्डिंग थी और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस थी, लेकिन एक तरह से उसने सभी रिपोर्ट डस्टबिन में फेंक दी। ये सब बातें इजराइल के दक्षिणी कमान से जुड़े मोसाद के बड़े अफसर को बताई गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस अफसर को बहुत ही खुफिया तरीके से सभी चेतावनी दी गई थी कि हमास बॉर्डर पोस्ट को उड़ाने की तैयारी कर रहा है और ऐसा हमला कई जगह हो सकता है, लेकिन उस अफसर का रवैया ऐसा रहा जैसे ये रिपोर्ट कूड़ेदान में डालने लायक है। मोसाद को जो खुफिया रिपोर्ट मिली थी उसमें इजराइल के कुछ ठिकानों का भी नाम था जहां हमास हमला करना चाहता था और 7 अक्टूबर को ऐसा हुआ भी। हमास ने कई जगह हमला किया, खुलकर गोलियां चलाई, बहुत से लोगों को मार डाला। ये सब बातें मोसाद के उस अफसर को बताई गई थी लेकिन उसने एक भी रिपोर्ट को लेकर यकीन नहीं किया। हमास के खतरे को एक तरह से जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। इजराइल की यूनिट नंबर 8200 ने मोसाद के अफसरों तक जो रिपोर्ट पहुंचाई उसमें हमास के कैडर के बारे में भी बहुत कुछ बातें बताई गईं। ये सब बातें हमास को यूनिट नंबर 8200 से पता चली। यूनिट नंबर 8200 मोसाद के इंटेलिजेंस नेटवर्क का ही हिस्सा है जो हमास के लोकल नेटवर्क पर नजर रखती है। It's unclear exactly why it happened at this time. It's certainly ironic that it happened on the 50th anniversary of the last time the Israelis were caught unawares. In the 1973 war, there was an Egyptian attack. It ended up with the recapture of Sinai. Israelis were feeling pretty good about where they've been in the last 50 years.
7 अक्टूबर के हमले को 1973 में हुए हमले के बाद सबसे खतरनाक अटैक बताया गया है। 1973 में योम किपुर के दिन, जो यहूदी धर्म में पवित्र दिन माना जाता है, उस दिन सीरिया और मिस्र की फौज ने हमला करके इसराइल को चौंका दिया था। 7 अक्टूबर को भी यही हुआ। इसराइल फिर चारों खाने चित हो गया। उसके बाद इसराइल की बमबारी से जो कुछ भी हुआ, चाहे उसने गाजा को पूरी तरह मिटाने वाली बमबारी की हो, लेकिन सच यही है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की हैसियत पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी है। हमास के हमले के खतरे को ख्याली बातें बताने वाले अफसरों को लेकर कुछ और बातें पता चली हैं। इसराइल के एक सरकारी चैनल कान की रिपोर्ट है कि हमास के हमले की ऐसी वार्निंग सैनिकों ने अपने वरिष्ठ अफसरों को दी थी। वार्निंग में बताया गया था कि हमले के दौरान विमानों को गिराया जा सकता है और फिर हमास इसराइल में कई जगह अपने झंडे लगा देगा। मोसाद और इजरायली सेना के टॉप के अफसरों ने अगर ऐसी रिपोर्ट खारिज की तो सवाल उठना लाजमी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट खारिज के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। कई सवाल खड़े होते हैं जिसका जवाब मोसाद को ही देना होगा। क्या मोसाद का वो बड़ा अधिकारी हमास से मिल गया था? क्या मोसाद के अंदर हमास की एंट्री हो चुकी है? क्या मोसाद के अंदर हमास का स्लीपर सेल बन चुका है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी हमास के लिए डबल एजेंट बन गए हैं? ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि इसराइल के लिए हमास हमेशा सबसे बड़ा खतरा माना गया है, और अगर मोसाद का कोई बड़ा अफसर बड़े हमले के इंटेलिजेंस रिपोर्ट को लेकर कहे कि ये ख्याली बातें हैं तो सवाल तो उठेंगे। अब गाजा में युद्ध के बीच मोसाद को फैसला करना है कि वो ऐसी नाकामी और ऐसे लापरवाही से कैसे निपटता है। इस वक्त इसराइल की सेना सीज फायर के बीच उत्तरी गाजा में लड़ रही है और वहां उसे हमास की तरफ से बड़े हमले झेलने पड़ रहे हैं। हमास के एंटी टैंक दस्तों ने इसराइल की टैंक फोर्स का जीना मुश्किल कर दिया है। हमास का दावा है कि वो इसराइल के 180 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को फोड़ चुका है और अब उसकी निगाह इसराइल के 100 टारगेट पर है, यानी उसके सैनिकों की वो टोलियां जिन पर हमला करके हमास बड़ा स्कोर बनाना चाहता है। फिलहाल इसराइल के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि गाजा से बुरी खबर ना मिले और इस वक्त बंधकों की रिहाई ही उनका सबसे बड़ा एजेंडा है। אבל אני מדגיש לכם, המשפחות, ולכם, אזרחי ישראל, אנחנו מחויבים להחזרת כל חטופינו. זוהי אחת ממטרות המלחמה, ואנחנו מחויבים להשיג את כל מטרות המלחמה. हालांकि नेतन्याहू घरेलू मोर्चे पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनको यकीन था कि बंधकों की रिहाई के साथ राजनीतिक उथल पुथल में उनकी राह आसान हो जाएगी, भ्रष्टाचार के आरोप कम पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन गाजा में नॉन स्टॉप बमबारी के साथ नेतन्याहू ने बहुत बड़ी उम्मीदें पाली हुई है। His critics on the right will say he's a weak leader for wanting to stop the attack on Gaza. His critics on the left will say he's a weak leader because he was napping when he should have been preparing for this assault. So in the near term, Netanyahu is going to appear very strong. In the longer term, Netanyahu is going to be attacked on his right and on his left. But frankly, Netanyahu has been attacked on his right and his left for his entire career. And that doesn't really faze him. That's just the nature of life. Netanyahu is fighting for his political survival as he always does. नेतन्याहू को बहुत जल्दी बड़े फैसले लेने होंगे और इसमें मोसाद में उठा पटक भी शामिल रहेगी। 7 अक्टूबर को जो डेंट मोसाद के इमेज को लगा है, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इसराइल के इंटेलिजेंस नेटवर्क में हमास की एंट्री हो चुकी है तो समझ लीजिए कि नेतन्याहू को फिर बहुत बड़े हमले का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हुआ हमला तो फिर शुरुआत कही जाएगी। इसराइल की सबसे बड़ी ताकत उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी तरह खत्म माना जाएगा और इसी से जुड़ी इसराइल की पूरी सिक्योरिटी, जिसमें घुसपैठ का मतलब नेतन्याहू से बेहतर कौन जानता है। इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस गाजा पर है, इसराइल पर है, हमास के अगले कदम पर है और साथ में नेतन्याहू के फैसलों पर है। इस युद्ध में अगले कुछ दिन बहुत अहम होने जा रहे हैं। इसराइल में बड़ा डर बैठ गया है कि अगर ईरान का बस चला तो वो इस युद्ध से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। ईरान ने अब एक ऐसी बड़ी तैयारी कर ली है जिसके आगे इसराइल और अमेरिका दोनों की फौज बुरी तरह हार सकती है। इसराइल में इसे ईरान का छुपा हुआ हमला कहा जा रहा है।
ईरान का ऐलान, इज़राइल का विनाश शुरू। गाज़ा में भयंकर नरसंहार का बदला अब ईरान लेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि भले ही हमास और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया हो, लेकिन ईरान गाजा में गिराए गए एक एक इजरायली बम का खूनी बदला जरूर लेगा। ईरान ने यहां तक धमकी दी है कि वो इजराइल और अमेरिका को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगा, और अब इजराइल पर भीषण हमले शुरू हो चुके हैं। गाजा में एक एक बम का बदला लेगा ईरान। हम आपको आगे बताएंगे कि ईरान इजराइल पर किस तरह से घातक हमले शुरू कर रहा है, और अभी ईरान हिजबुल्ला हूथी के लड़ाकों के साथ मिलकर इजराइल पर किस तरह से हमले तेज कर रहा है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इजरायली सेना ने सीज फायर के दौरान पिछले 48 घंटे में गाजा और वेस्ट बैंक में कितनी भीषण तबाही मचाई है, और हमास को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल सुरक्षा बलों यानी IDF ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में हमास के नौसेना बल के कमांडर को उसने मार डाला है। कमांडर उमर अबू जल्ला हमास की नौसेना बल में एक सीनियर कमांडर था। कमांडर उमर अबू जल्ला को इजरायली सेना ने हवाई हमले में मारा है। अब तक हमास के 70 से ज्यादा कमांडर मारे जा चुके हैं। कमांडर उमर अबू जल्ला से पहले दक्षिणी खान यूनुस बटालियन के कमांडर बिलाल अल कीदरा मारा गया था, जबकि उससे पहले कमांडर अयमन नोफेल और मेजर जनरल जियाद मोहिसेन भी मारे जा चुके हैं, जबकि हमास कमांडर मुराद अबू मुराद, अली कादी और मोहम्मद कटमश को भी IDF मार चुकी है। इजराइल को नहीं बचा पाएगा सीज फायर। अब सवाल उठता है कि आखिर इजराइल के सामने ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उसे हमास के साथ 4 दिन का सीज फायर करना पड़ा। ईरानी सेना के दावों के मुताबिक गाजा सिटी में इजरायली सेना को भी भारी नुकसान हुआ है। ईरान का यहां तक दावा है कि भले इजराइल अपने 70 सैनिकों के मरने का दावा करे, लेकिन हकीकत में इजराइल के 10 से 20 गुना सैनिक गाजा सिटी में सीधी जंग में मारे जा चुके हैं। इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई 4 दिन के सीज फायर शुरू होने के साथ ही ऐलान कर दिया था कि गाजा में गिराए गए एक एक इजरायली बम का बदला लिया जाएगा। इसी को लेकर ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान सैनिक और लड़ाकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जिसमें इजराइल को नक्शे से मिटाने की कस्में खाई गई हैं। तेहरान में हुए प्रदर्शन की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जबरदस्त नारों के बीच इजराइल को मिटाने की कस्में खाई जा रही हैं। در نجات مردم فلسطین اقدام تعیین کننده ای یا انجام دهد بر ناامیدی ملت ها از دولت ها و بیتابی آنها در دفاع از فلسطین افزوده می شود. ایران کا اعلان، اسرائیل کا وناش شروع۔ पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के लाख चेतावनी देने के बावजूद ईरान बंकरों में छिपे अपने घातक हथियारों से इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। एक अनुमान के मुताबिक इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान ने शाहिद सीरीज के आत्मघाती ड्रोन तैयार कर चुका है। इसके अलावा मोहाजर 10 अराश 2 ड्रोन भी ईरान के बेहद घातक हथियार है, जो इजरायली शहरों को तबाह कर सकते हैं। همه مردم آماده هستند برای مقابله با اسرائیل، برای اینکه فاتحه اسرائیل را یک بار برای همیشه بخوانند. امیدواریم برایش عبرتی باشه، دست از شرارت ها برداره.
हमास का साथ ईरान और हिजबुल्ला जबरदस्त तरीके से दे रहे हैं। इजराइल भी जानता है कि ईरान के 5.75 लाख सैनिकों से जंग करना जरा भी आसान नहीं है। इजराइल के पास सिर्फ 1.73 लाख सैनिक है। इजराइल की 4.65 लाख के रिजर्व फोर्स को जोड़कर भी इजराइल ईरान के आसपास नहीं टिकता है। अब ऐसे हालात के बीच इजराइल का ये कहना है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी कभी भी बमबारी कर सकता है। ये दावा वाकई हैरान करने वाला है। כך חנה קציר היקרה ששבה היום הביתה לאחר שארגוני הטרור טענו שהרגו אותה לפני מספר ימים. לכן יש להסתמך על דיווחים של גורמים רשמיים בלבד. בעזה בשעות הבוקר כוחות צהל נערכו בקווי ההפוגה בשטח רצועת עזה. המפקדים תודרכו והכינו את הכוחות להתנהלות במהלך ההפוגה. ביטחון הלוחמים שלנו... लेकिन ये भी सच है कि गाजा पट्टी को 60% तक इजराइल तबाह कर चुका है। इधर 1.5 महीने से ज्यादा की जंग में लगभग 15,000 से ज्यादा लोग गाजा में मारे जा चुके हैं। लगभग 3,000 लोग अभी भी कब्रिस्तान बन चुके उत्तरी गाजा के इमारतों में दफन हैं। लगभग 50 दिन की जंग में इजरायली वायुसेना ने 35,000 से ज्यादा बम उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक पर बरसाए हैं। 70 से ज्यादा हमास के कमांडर मारे जा चुके हैं। इजरायली फोर्स ने हमास के इस्लामिक जिहाद परिषद के मुख्यालय, कमांड सेंटर, सैन्य परिसर, दर्जनों लॉन्चर पैड, एंटी टैंक पोस्ट और वॉच टावर को मलबे में बदल दिया। इस दौरान फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन के सैन्य मुख्यालय को भी नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा IDF ने हमास के कई बुनियादी ढांचे को भी बर्बाद कर दिया। इधर हमास के टॉप कमांडर इस्माइल हानी ईरान के साथ मिलकर इजराइल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। हमास के नेता और टॉप कमांडर इस्माइल हानिया ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला हियान के बीच एक जबरदस्त मीटिंग हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि कतर की राजधानी दोहा में हुई इस मीटिंग में ईरान ने हमास के लीडरशिप को साफ कर दिया है कि ईरान इजराइल के खिलाफ जंग में उतर चुका है। अब ईरान की बेतहाशा सैन्य ताकत हमास की ताकत बन गई है। यानी गाजा में इजराइल को सिर्फ हमास से नहीं बल्कि ईरान की सेना, लेबनन के हिजबुल्ला लड़ाकों और हमास के सुरंग जिहादियों से जंग करनी पड़ेगी। אני כבר רואה את האזרחים של עזה הולכים עם דגלים לבנים לאורך החוף ונעים דרומה. וחיזבאללה גוררת לבנון למלחמה שעלולה לקרות. והוא עושה טעויות. אם הוא יעשה טעויות מהסוג הזה כאן... גאזה מי, איק איק בם תבדלה לגה איראן. लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना के हौसले सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। जरा देखिए कैसे। इजरायल की एयरफोर्स के चीफ मेजर जनरल टोमेर बार ने एक टीवी चैनल पर ऐलान किया कि जरूरत पड़ने पर पूरे मिडल ईस्ट में कहीं भी बम गिराए जा सकते हैं। इजरायली वायुसेना प्रमुख की ओर से आए इस बयान को खास तौर से ईरान और हिजबुल्ला के लिए चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। इजरायल की वायुसेना चीफ ने कहा है कि हम हमास पर चौतरफा हमले कर रहे हैं, उसको जमीन पर और जमीन के नीचे मार रहे हैं। हमारे जवानों ने हजारों आतंकवादियों और उनके ठिकानों पर हमला किया है। हमने हमास को खत्म करने की कसम खाई है और हम उनको चुन चुन कर खत्म करेंगे। हमास के किसी भी ठिकाने और मददगार को नहीं छोड़ा जाएगा। इजराइल की वायुसेना पूरे मध्य पूर्व में जहां भी जरूरत होगी वहां कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। אנחנו חודש כבר במלחמה, פוגעים מאוד מאוד קשה בחמאס, פוגעים בהנהגה של חמאס, פוגעים במפקדים, פוגעים במחבלים, הורסים לחמאס את התשתיות בעזה, ואנחנו גם כל הזמן במוכנות לאזורים אחרים. הבסיס הזה יודע להגיע. हमास की मौजूदा सैन्य क्षमता को देखें तो उसके पास ज्यादातर ईरान के दिए हथियार हैं। इजराइल पर मौजूदा हमले में फज्र 3 और फज्र 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है।
इसराइल हमास के बीच युद्ध विराम है, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच घनघोर युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेन में सर्दी आने के पहले कीव पर कब्जे का जबरदस्त प्लान तैयार किया है। अब रूस हर दिन नहीं, हर घंटे यूक्रेन पर हमले और तेज करता जाएगा। पुतिन को इसराइल से एक ऐसी रिपोर्ट मिली है जिसके बाद उन्होंने दिसंबर में ही जीतने का फैसला कर लिया। कब्जे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रूस की आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा प्लान तैयार किया है। क्रिसमस पर कीव पर कब्जे का प्लान। पुतिन ने फाइनल पेपर पर दस्तखत कर दिए हैं। पूरी दुनिया जब क्रिसमस के जश्न में डूबी होगी, कीव पर रूस का झंडा लहरा रहा होगा। 24 फरवरी 2022 से जारी जंग का अंत क्रिसमस के दिन करने का पुतिन ने पूरा मन बना लिया है। पुतिन की सेना इस वक्त यूक्रेन पर अब तक का सबसे तेज हमला कर रही है। जवाब हालांकि यूक्रेन से भी मिल रहा है, लेकिन रफ्तार और पलटवार बेहद कमजोर नजर आ रही है। क्यों, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उत्तर एशिया और यूरोप में जोरदार ठंड आने ही वाली है। इससे पहले रूस ने जंग में फिर गर्मी ला दी है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर जोरदार ड्रोन हमले किए हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने ताजा बयान दिया है। युद्ध के दूसरे शीतकाल मौसम की ओर बढ़ने के बीच यूक्रेनी सीमा पर बड़े बदलाव की कुछ तात्कालिक संभावनाएं हैं। रूस ने कीव, शरकासी और पोल्टावा क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 20 ईरानी ड्रोन से हमला किया। वहीं यूक्रेन की विमान रोधी प्रणालियों ने 15 ड्रोन मार गिराए। रूस का वार तेज है, बहुत तेज। रूस की सेना कीव पर ही नहीं टूटी है, बल्कि खेरसॉन में रूस की सेना ने बहुत बड़ा हमला किया है। ऐसे बम का इस्तेमाल किया है जिसे कई मायने में परमाणु बम से भी खतरनाक माना जाता है। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर खेरसॉन पर क्लस्टर बम गिरा दिया है, जिसमें 6 लोग मारे गए हैं, जबकि 60 से अधिक आवासीय और बुनियादी ढांचे की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रूस के इस भीषण हमले ने दक्षिणी खेरसॉन में तबाही मचा दी है। यूक्रेन के गृह मंत्री इहोर क्लिमेंको ने कहा, खेरसॉन के चर्नोबायुवका में दोपहर में हुई भारी गोलाबारी में 5 लोग घायल हो गए। हमले में 60 से अधिक रिहायशी भवन और बुनियादी ढांचे ध्वस्त हो गए। इससे पहले दिन में हुए हमलों में अलग अलग क्षेत्रों में 3 लोगों की जान रूसी हमलों में गई थी। क्लस्टर बम से जुड़ी कुछ अहम बातें आपको भी जरूर जाननी चाहिए। क्लस्टर बम जहाँ गिराए जाते हैं वहाँ जलजला ला देते हैं, जमीन को वो बंजर बना देते हैं और आबादी को वीरान कर देते हैं। क्लस्टर बम तबाही का एक ऐसा बम है जो परमाणु तो नहीं, लेकिन एटॉमिक हथियारों से कई मायनों में कम भी नहीं। क्लस्टर का मतलब गुच्छा या किसी चीज का समूह होता है। ये हवा से विमान के जरिए ऊंचाई से गिराए जाते हैं या समुद्र से दागे जाते हैं। जब एक क्लस्टर बम फटता है तो उससे छोटे छोटे हजारों नए बम हवा में ही तैयार होकर बर्बादी की बारिश करने लगते हैं। बिल्कुल परमाणु बमों की तर्ज पर इनकी संख्या 1 से हजारों होती जाती है। इनसे बहुत सारे छोटे क्लस्टर बम खुद तैयार हो जाते हैं जो इलाके के इलाके साफ कर देते हैं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से युद्ध में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। ये हथियार जमीन पर शर्रे फैलाते हैं और लड़ाकों की तुलना में कहीं अधिक नागरिकों को नुकसान पहुंचाते हैं और मारते हैं। दुश्मन के युद्धक वाहनों को नष्ट करने, हवाई पट्टी को उड़ाने, बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों को नष्ट करने, जमीनी बारूदी सुरंगों को तितर बितर करने, रासायनिक और जैविक हथियारों को ठिकाने लगाने में इन क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन ये पहली बार नहीं है। रूस के गोदामों में आज बहुत कम ऐसे हथियार हैं जिसका इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब तक पुतिन के कीव विजय का सपना अधूरा है, क्योंकि इस सपने के बीच नाटो की ताकत है। नाटो के यूक्रेन को हथियार सप्लाई ने पुतिन की यूक्रेन में जीत रोक रखी है। यहाँ आपको नक्शे के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूक्रेन के कितने प्रतिशत इलाके पर इस वक्त रूस का कब्जा है। डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, ज़ापोरिज़्या, यूक्रेन के ये वो क्षेत्र हैं जिसे रूस अपने कंट्रोल में रखने का दावा करता है। इसके अलावा अब दीविका, बखमूत, सोलेदार, मारियोपोल जैसे इलाके भी रूस के कब्जे में हैं। दिक्कत यह है कि रूस किसी एक इलाके पर कब्जा करके निकलता है तो उसके पुराने जीते हुए इलाके पर ज़ेलेंस्की की फौज चढ़ाई कर देती है। लिहाजा रूस को एक नहीं दो मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है। पहला नए क्षेत्र जीतने वाला फ्रंट है, दूसरा जीते हुए इलाके को बचाने वाला फ्रंट है। इस बीच मुश्किल सेना की है। रूस के सैनिक युद्ध में जान गंवा रहे हैं। ट्रेंड सैनिकों की संख्या लगातार कम हो रही है। रूस में भी पुतिन के खिलाफ युद्ध विरोधी आवाजें उठ रही हैं। युवकों का एक बड़ा वर्ग सेना में भर्ती नहीं होना चाहता है, लेकिन पुतिन के सामने पीछे मुड़ने का कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में बहुत साफ और सीधी बात है कि पुतिन यूक्रेन को अब बस निपटाना चाहते हैं। जाहिर है युद्ध का निपटारा हमले से ही होगा, और पुतिन यही हमले दिनों रात 24 घंटे 8 पहर लगातार कर रहे हैं। यहां पुतिन के 30 दिनों की मियाद में कीव पर कब्जे का प्लान समझने की कोशिश करते हैं। प्लान नंबर 1, यूक्रेन में जीते गए सारे इलाकों को रूस के कब्जे में ले आना। प्लान नंबर 2, कीव को चारों तरफ से घेर कर हमला करना। प्लान नंबर 3, यूक्रेन को क्राइमिया पर हमले से तत्काल और पूरी शक्ति से रोकना। प्लान नंबर 4, ठंड से पहले यूक्रेन के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी। यूक्रेन में सर्दी दस्तक दे रही है और मौसम बदलते ही युद्ध में पुतिन खेला बदल देंगे, इसकी आशंका में ज़ेलेंस्की दिन रात घोले जा रहे हैं। पिछली सर्दियों में भी यूक्रेन की सेना और नागरिकों ने भयंकर तबाही का सामना किया था। एक तो हाड़ कपा देने वाली ठंड ने मारा और बच गए तो रूस की सेना ने तोप के गोले से उड़ा दिया। इस बार सर्दी से बचने के लिए यूक्रेन के नागरिक अपने घरों के लिए मोमबत्तियां, बैटरी, फ्लैशलाइट और पोर्टेबल लालटेन खरीद रहे हैं। इसके अलावा कॉम्पैक्ट गैस को स्टॉक कर रहे हैं। पिछले साल रूस ने यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर 1200 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन दागे थे, जिससे यूक्रेन की बिजली सप्लाई ठप सी पड़ गई थी। अमेरिका ने ऊर्जा उपकरण और यूक्रेन के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए $522 मिलियन आवंटित किए हैं। ठंड में जीवन की बुनियादी सुविधाएं और जंग दोनों के प्रति यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कदम उठा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में कहा, हर किसी को यह सुनिश्चित करने के लिए रक्षात्मक प्रयासों में अपनी भूमिका निभानी चाहिए कि रूसी आक्रमण इन सर्दियों में यूक्रेन को रोक न दे। जैसा कि युद्ध के मैदान में होता है, वैसे ही सभी क्षेत्रों में हमें लचीला और मजबूत होना चाहिए। रूस और यूक्रेन के जिस इलाके में जंग हो रही है वहां ठंड में पारा -डिग्री में चला जाता है। ऐसे में ठंड से पहले रूस ने फिर ताबड़तोड़ हमले करके अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। दूसरी ओर अमेरिका के नेतृत्व में नाटो भी सुपर एक्टिव मोड में आ गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ठंड में जिस तरह हिटलर की सेना को रूसी फौज ने मात दी थी, उसी तरह यूक्रेन को सर्दी में ही सदा के लिए जीत लेना है। जाहिर है ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये काम पुतिन पिछले 1 साल 8 महीने की जंग में नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक कि पुतिन की परमाणु बम गिराने की धमकियां भी कोई असर नहीं दिखा पाए, लेकिन अभी पुतिन को मौका मुफीद दिख रहा है। इसराइल हमास की जंग ने अमेरिका के लिए नया मोर्चा खोल दिया है। इसके सामने यूक्रेन रूस की धमक फीकी पड़ गई है, लेकिन रूस की सेना अपना काम बखूबी कर रही है। सर्दी का सामना सिर्फ यूक्रेन को नहीं करना है, रूस के उन सैनिकों को भी करना है जो 24 फरवरी 2022 से जारी इस जंग को अब तक लड़ रहे हैं। लंबी जंग से उकताए रूसी सैनिकों के लिए इस बार की यूक्रेन की सर्दी भी बहुत मुश्किलों से भरी होगी। यही कारण है कि रूस की सेना ठंड से पहले ही नहीं बल्कि 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे को युद्ध का द एंड करने के इरादे के साथ चल रही है।
हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर भी सुरंग में ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बचाव दल के अंदर पहुंचने के फौरन बाद ही मजदूरों को निकालना शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले डॉक्टर मजदूरों की जांच करेंगे, इसके बाद उन्हें मौसम और बाहर के हालात की जानकारी दी जाएगी और फिर टनल से सबसे पहले उन मजदूरों को निकालने का प्लान बनाया गया है जिनकी हालत ज्यादा खराब होगी। मतलब मजदूरों को रेस्क्यू करने में किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं होगी। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि रेस्क्यू टीम के अंदर जाने के बाद मजदूरों को बाहर आने में 3 से 4 घंटे का वक्त भी लग सकता है। 13 दिन से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की चुनौतियां सामने आई। कई बार मजदूरों तक पाइप की सुरंग बनाने के दौरान रेस्क्यू टीम को कई तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ा और इसी वजह से लोगों की सांसें अटकी रहीं, क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान कभी सरिया तो कभी पत्थर मजदूरों तक पहुंचने में बाधा बने रहे। यह हादसा 12 नवंबर को हुआ था। उसी के बाद से मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सबसे पहले 12 नवंबर को 35 हॉर्स पावर यानी कम ताकत वाली ऑगर मशीन से सिलक्यारा की तरफ से 15 मीटर तक मलबा हटाया गया, लेकिन 13 नवंबर को मलबा दोबारा गिरने से ड्रिलिंग रोक दी गई। 15 नवंबर को खुदाई के दौरान ऑगर मशीन खराब हो गई। इसके बाद 16 नवंबर को दिल्ली से लाई गई ताकतवर ऑगर मशीन से एक बार फिर ड्रिलिंग शुरू हुई, लेकिन 17 नवंबर की दोपहर में मशीन के आगे पत्थर आने की वजह से खुदाई रोकनी पड़ी और इसके बाद अगले 5 दिन तक रुक रुक कर खुदाई होती रही। लेकिन 23 नवंबर यानी रेस्क्यू ऑपरेशन के 12वें दिन खुदाई 3 बार रोकनी पड़ी। पहली बार ऑगर मशीन के सामने सरिया आ गया जिससे मशीन के कुछ कलपुर्जे खराब हो गए। बाद में एनडीआरएफ ने सरिये को काट कर अलग किया। इसके बाद जब ड्रिलिंग शुरू हुई तो तेज कंपन से मशीन का प्लेटफॉर्म ही धस गया। उत्तरकाशी की सुरंग में ड्रिलिंग का काम रुकने की वजह से वहां फंसे 41 मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार और लंबा हो गया। दावा यह किया गया कि ड्रिलिंग कर रही ऑगर मशीन को ठीक होने में वक्त लग सकता है और इसीलिए सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर लाने की रणनीति फिर नए सिरे से बनाए जाने पर जोर दिया जाने लगा। दावा किया गया कि अगर ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन को ठीक होने में ज्यादा समय लगता है तो सुरंग के अंदर मलबे को हटाने का काम मजदूरों के जरिए भी शुरू करवाया जा सकता है। अब तक करीब 50 मीटर तक मलबा हटाया जा चुका है और करीब 7 से 8 मीटर तक मलबा हटाया जाना बाकी है, लेकिन पिछले 3 दिनों में मलबा हटाने के काम में जुटी ऑगर मशीन 2 बार खराब हो चुकी है और सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर लाने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए मलबे को मजदूरों की मदद से भी हटाने पर चर्चा तेज होने लगी। रेस्क्यू टीम ने हिम्मत नहीं हारी। यह हादसा 12 नवंबर को दिवाली के दिन हुआ, जिसके बाद सुरंग में मजदूरों के फंसे होने की खबर मिलते ही रेस्क्यू के लिए बिना देर किए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बीते 13 दिन से दिन रात भुलाकर रेस्क्यू टीम टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बचाने में जुटी, क्योंकि 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन सुबह करीब 5:30 बजे जमीन धंसने से उत्तरकाशी में 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत बन रही सुरंग में मलबा भर गया था। 13 नवंबर को ऑक्सीजन पहुंचाने वाले पाइप के जरिए मजदूरों से संपर्क किया गया और उनके सुरक्षित होने की खबर मिली। 14 नवंबर को मशीन की मदद से ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू की गई। 16 नवंबर को दिल्ली से लाई गई ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग शुरू हुई। 17 नवंबर को 60 मीटर लंबे मलबे को चीर कर करीब 24 मीटर ड्रिलिंग पूरी की गई। 21 नवंबर को बचाव कर्मियों ने अंदर फंसे मजदूरों से बातचीत का पहला वीडियो जारी किया। 22 नवंबर को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में एक स्पेशल वार्ड तैयार किया गया और टनल के बाहर एम्बुलेंस तैनात कर दी गई। 23 नवंबर को लोहे की छड़ों की वजह से ड्रिलिंग में 6 घंटे की देरी हुई। सिलक्यारा की तरफ से पाइप डालने का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन विशेषज्ञ इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं मशीनों के तेज कंपन से सुरंग में फिर से मलबा ना गिर जाए। अगर ऐसा हुआ तो रेस्क्यू टीम के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसी वजह से मजदूरों को निकालने के लिए दूसरे प्लान पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, ताकि सिलक्यारा की ओर से रेस्क्यू का प्लान फेल होने पर टनल के दूसरे हिस्से से मजदूरों को निकाला जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल विशेषज्ञों के मुताबिक पहाड़ की मिट्टी बेहद भुरभुरी है और डर यह है कि भारी भरकम मशीनों के चलने से होने वाली कंपन की वजह से कहीं सुरंग में और महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही।
बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान। कुछ देर के लिए पीएम मोदी ने तेजस का कंट्रोल भी संभाला। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम ने लिखा, मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर हुई बंपर वोटिंग, शाम 5 बजे तक हुआ 69.22% मतदान। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत ने वोट डाला, वसुंधरा राजे ने झालावाड़ और जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया मतदान। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने जमकर किया प्रचार। कल भी बीजेपी के दिग्गज करेंगे प्रचार। सवाल के बदले पैसों के मामले में बड़ी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें, सीबीआई ने शुरू की मामले की जांच। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। आज हम ढूंढ रहे हैं इसी वजह से मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए दो अलग अलग प्लान पर भी काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक पहले प्लान के तहत सुरंग में वर्टिकल ड्रिलिंग यानी ऊपर से छेद करके मजदूरों तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, लेकिन इस काम में 10 से 15 दिन का वक्त और लग सकता है। जबकि दूसरा प्लान टनल के दूसरे छोर यानी डंडाल गांव की ओर से पहाड़ तोड़कर मजदूरों तक पहुंचने का है, लेकिन इस काम में 35 से 40 दिन का वक्त लग सकता है। मतलब अगर सिलक्यारा की तरफ से रेस्क्यू फेल हुआ तो फिर मजदूरों की मुसीबत बढ़नी तय है। जैसे जैसे मजदूरों को बाहर लाने का समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे मजदूरों के स्वास्थ्य पर संकट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिछले 13 दिनों से मजदूर उस सुरंग के अंदर बंद और ना ही उन तक धूप पहुंच रही है और ना ही उनके पास साफ सफाई का कोई साधन है, जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, जिसको लेकर रेस्क्यू अभियान में जुटे अधिकारियों में भी चिंता बढ़ती जा रही है। इसीलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी उन 41 मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सुरंग के अंदर पैरा मेडिकल टीम को भेजने पर विचार कर रही है। पैरा मेडिक को भी भेजा जाएगा अंदर, जो डिटरमिन करेगा कि उनकी क्या काबिलियत है, उनके पास क्या, उनकी स्टेट ऑफ इमीडिएट स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है। इससे पहले भी उन मजदूरों में विटामिन डी की कमी होने की आशंका जताई जा चुकी है और उन मजदूरों के लिए विटामिन डी की दवाएं भी भेजी गई थी, लेकिन अब उससे भी ज्यादा वक्त बीत चुका है और ड्रिलिंग का काम रुकने की वजह से उन मजदूरों को बाहर लाने में अभी और वक्त भी लग सकता है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। सिलक्यारा की तरफ से मलबे को भेजते हुए पाइप डालने का काम अपने आखिरी चरण में है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही वक्त बाद 13 दिन में से फंसे मजदूर सुरंग से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। यानी थोड़ी देर बाद उत्तर काशी से खुशखबरी आ सकती है। अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों को निकालने के लिए पाइप बिछाने का काम अपने आखिरी पड़ाव में है, लेकिन मजदूरों तक पाइप की सुरंग बनाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि मलबे को भेद कर पाइप धकेलने के दौरान कई बार अड़चनों का सामना करना पड़ा, लेकिन तमाम मुसीबतों को पार करते हुए रेस्क्यू टीम मजदूरों तक पाइप पहुंचाने में कामयाब हो गई। यमुनोत्री हाईवे पर बन रही ये सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी। सिलक्यारा की तरफ से करीब 2.5 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसी तरफ से 12 नवंबर को सुरंग धस गई और मलबा 60 मीटर तक फैल गया। इसीलिए सिलक्यारा की ओर से एक के पीछे एक जोड़कर 6-6 मीटर लंबे पाइप डाले गए। सुरंग में पहले 36 इंच चौड़े पाइप एक के पीछे एक जोड़कर मशीन से धकेले गए। इसके बाद 32 इंच के पाइप भी इसी तरह जोड़कर मलबे में डाले गए और तब जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन के 13वें दिन मजदूरों को निकालने के लिए पाइप की सुरंग तैयार की जा सके। सुरंग के अंदर पिछले 13 दिन से फंसे 41 मजदूरों के बाहर आने का इंतजार पूरा देश कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार मजदूरों को पाइप के जरिए सुरंग से निकालने के लिए मॉक ड्रिल करने में जुटी है, जिसका एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में एनडीआरएफ के 2 जवान रस्सी की मदद से पाइप के अंदर से एक दूसरे जवान को स्ट्रेचर पर खींचते नजर आए। इस मॉक ड्रिल के जरिए ये जानने की कोशिश की गई कि जब स्ट्रेचर से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा तो उन्हें किस तरह की परेशानी हो सकती है। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें एक जवान को पाइप के अंदर भेजा गया, पाइप से एनडीआरएफ के उस जवान को निकालने के लिए पहिए लगे स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए स्ट्रेचर के अगले हिस्से से एक रस्सी बांधी गई, जबकि स्ट्रेचर पर वो जवान पेट के बल लेट गया। फिर टनल के बाहर मौजूद एनडीआरएफ के जवानों ने उसे रस्सी के सहारे बाहर खींच लिया। स्ट्रेचर में पहिए लगे होने की वजह से वो तेजी से बाहर आता दिखा। बाहर आने के बाद उस जवान ने ये बताया कि अंदर सांस लेने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और स्ट्रेचर के जरिए वो आसानी से बाहर आ गया।
उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के बाहर आने का इंतजार पूरा देश कर रहा है, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें बाहर लाने का रास्ता नहीं बन पाया, क्योंकि सिलक्यारा सुरंग के अंदर मलबा हटाने में लगी ऑगर मशीन एक बार फिर से बंद पड़ गई। और अब उस ऑगर मशीन को ठीक करने के लिए फिर से सुरंग से बाहर लाया गया है। इससे पहले भी ऑगर मशीन मलबा हटाने के समय रास्ते में लोहे के सरियों के टुकड़ों में फंस गई थी, जिसके बाद करीब 36 घंटे से ज्यादा का समय लगा था सुरंग के अंदर दोबारा ड्रिलिंग शुरू करने में। लेकिन दोबारा खुदाई शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही बताया गया कि ड्रिलिंग कर रही ऑगर मशीन एक बार फिर से खराब हो गई। दोबारा ड्रिलिंग के समय 48 मीटर से आगे ऑगर मशीन सिर्फ 2 मीटर तक ही मलबा हटा पाई थी कि उसमें दोबारा खराबी आ गई, जिसके बाद एक बार फिर सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम बीच में ही रुक गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों ने दावा किया कि जल्द से जल्द मशीन को ठीक कर फिर से ड्रिलिंग की जाएगी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहिए लगे स्ट्रेचर से मजदूरों को सुरक्षित निकालने में रेस्क्यू टीम को कोई दिक्कत नहीं होगी। खबर है कि पाइप के रास्ते सुरंग के अंदर दाखिल होने के लिए एनडीआरएफ की एक टीम पूरी तरह तैयार है। और टनल के महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। उत्तरकाशी में टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 2 दिन में शुरू हो सकती है वर्टिकल ड्रिलिंग। सीएम धामी ने किया सुरंग का मुआयना। एनडीएमए ने कहा मजदूरों को निकालने में लग सकता है वक्त। केरल के कोच्चि में सीयूएसएटी यूनिवर्सिटी में भगदड़ में 4 छात्रों की मौत। संगीत समारोह के दौरान अचानक बारिश आ जाने से मची भगदड़, हादसे में 60 से ज्यादा छात्र घायल। के प्रयागराज में बस कंडक्टर पर चापड़ से जानलेवा हमला। मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी लारे बाशमी को पकड़ा। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में लगी गोली। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। चीज का इंतजाम किया गया जिसकी जरूरत रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पड़ेगी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ ने 15 लोगों की एक टीम बनाई। इस टीम में डॉक्टर भी शामिल हैं जो एनडीआरएफ के जवानों के साथ पाइप की बनाई सुरंग के रास्ते मजदूरों तक पहुंचेंगे। टीम के लोग अपने साथ हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर भी सुरंग में ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बचाव दल के अंदर पहुंचने के फौरन बाद ही मजदूरों को निकालना शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले डॉक्टर मजदूरों की जांच करेंगे, इसके बाद उन्हें मौसम और बाहर के हालात की जानकारी दी जाएगी और फिर टनल से सबसे पहले उन मजदूरों को निकालने का प्लान बनाया गया है जिनकी हालत ज्यादा खराब होगी। मतलब मजदूरों को रेस्क्यू करने में किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं होगी। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि रेस्क्यू टीम के अंदर जाने के बाद मजदूरों को बाहर आने में 3 से 4 घंटे का वक्त भी लग सकता है। 13 दिन से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की चुनौतियां सामने। कई बार मजदूरों तक पाइप की सुरंग बनाने के दौरान रेस्क्यू टीम को कई तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ा और इसी वजह से लोगों की सांसें अटकी रहीं, क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान कभी सरिया तो कभी पत्थर मजदूरों तक पहुंचने में बाधा बने रहे। यह हादसा 12 नवंबर को हुआ था। उसी के बाद से मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सबसे पहले 12 नवंबर को 35 हॉर्स पावर यानी कम ताकत वाली ऑगर मशीन से सिलक्यारा की तरफ से 15 मीटर तक मलबा हटाया गया, लेकिन 13 नवंबर को मलबा दोबारा गिरने से ड्रिलिंग रोक दी गई। 15 नवंबर को खुदाई के दौरान ऑगर मशीन खराब हो गई। इसके बाद 16 नवंबर को दिल्ली से लाई गई ताकतवर ऑगर मशीन से एक बार फिर ड्रिलिंग शुरू हुई, लेकिन 17 नवंबर की दोपहर में मशीन के आगे पत्थर आने की वजह से खुदाई रोकनी पड़ी और इसके बाद अगले 5 दिन तक रुक रुक कर खुदाई होती रही। लेकिन 23 नवंबर यानी रेस्क्यू ऑपरेशन के 12वें दिन खुदाई 3 बार रोकनी पड़ी। पहली बार ऑगर मशीन के सामने सरिया आ गया जिससे मशीन के कुछ कलपुर्जे खराब हो गए। बाद में एनडीआरएफ ने सरिये को काट कर अलग किया। इसके बाद जब ड्रिलिंग शुरू हुई तो तेज कंपन से मशीन का प्लेटफॉर्म ही धस गया। उत्तरकाशी की सुरंग में ड्रिलिंग का काम रुकने की वजह से वहां फंसे 41 मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार और लंबा हो गया। दावा यह किया गया कि ड्रिलिंग कर रही ऑगर मशीन को ठीक होने में वक्त लग सकता है और इसीलिए सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41
41 मजदूरों को बाहर लाने की रणनीति फिर नए सिरे से बनाए जाने पर जोर दिया जाने लगा। दावा किया गया कि अगर ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन को ठीक होने में ज्यादा समय लगता है तो सुरंग के अंदर मलबे को हटाने का काम मजदूरों के जरिए भी शुरू करवाया जा सकता है। अब तक करीब 50 मीटर तक मलबा हटाया जा चुका है और करीब 7 से 8 मीटर तक मलबा हटाया जाना बाकी है, लेकिन पिछले 3 दिनों में मलबा हटाने के काम में जुटी ऑगर मशीन 2 बार खराब हो चुकी है और सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर लाने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए मलबे को मजदूरों की मदद से भी हटाने पर चर्चा तेज होने लगी। रेस्क्यू टीम ने हिम्मत नहीं हारी। यह हादसा 12 नवंबर को दिवाली के दिन हुआ, जिसके बाद सुरंग में मजदूरों के फंसे होने की खबर मिलते ही रेस्क्यू के लिए बिना देर किए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बीते 13 दिन से दिन रात भुलाकर रेस्क्यू टीम टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बचाने में जुटी। क्योंकि 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन सुबह करीब 5:30 बजे जमीन धंसने से उत्तर काशी में चार धाम प्रोजेक्ट के तहत बन रही सुरंग में मलबा भर गया था। 13 नवंबर को ऑक्सीजन पहुंचाने वाले पाइप के जरिए मजदूरों से संपर्क किया गया और उनके सुरक्षित होने की खबर मिली। 14 नवंबर को मशीन की मदद से ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू की गई। 16 नवंबर को दिल्ली से लाई गई ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग शुरू हुई। 17 नवंबर को 60 मीटर लंबे मलबे को चीर कर करीब 24 मीटर ड्रिलिंग पूरी की गई। 21 नवंबर को बचाव कर्मियों ने अंदर फंसे मजदूरों से बातचीत का पहला वीडियो जारी किया। 22 नवंबर को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में एक स्पेशल वार्ड तैयार किया गया और टनल के बाहर एम्बुलेंस तैनात कर दी गई। 23 नवंबर को लोहे की छड़ों की वजह से ड्रिलिंग में 6 घंटे की देरी हुई। सिलक्यारा की तरफ से पाइप डालने का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन विशेषज्ञ इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं मशीनों के तेज कंपन से सुरंग में फिर से मलबा ना गिर जाए। अगर ऐसा हुआ तो रेस्क्यू टीम के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसी वजह से मजदूरों को निकालने के लिए दूसरे प्लान पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, ताकि सिलक्यारा की ओर से रेस्क्यू का प्लान फेल होने पर टनल के दूसरे हिस्से से मजदूरों को निकाला जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल विशेषज्ञों के मुताबिक पहाड़ की मिट्टी बेहद भुरभुरी है और डर यह है कि भारी भरकम मशीनों के चलने से होने वाली कंपन की वजह से कहीं सुरंग में और मलबा ना गिर जाए। इसी वजह से मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए 2 अलग अलग प्लान पर भी काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक पहले प्लान के तहत सुरंग में वर्टिकल ड्रिलिंग यानी ऊपर से छेद करके मजदूरों तक पाइपलाइन। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान। कुछ देर के लिए पीएम मोदी ने तेजस का कंट्रोल भी संभाला। सोशल मीडिया एक्सपर्ट पीएम ने लिखा, मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर बंपर वोटिंग, 72.57% मतदान ने तोड़े कई रिकॉर्ड। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत ने वोट डाला, वसुंधरा राजे ने झालावाड़ और जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया मतदान। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया पिछड़े वर्ग को धोखा देने का आरोप। तेलंगाना की रैली में कहा, जमानत पर बाहर टहल रहे कांग्रेस के नेता पिछड़े वर्ग को दे रहे हैं गाली। और बीसी को चोर कहने के कारण कांग्रेस को एक नेता को कोर्ट ने 2 साल की सजा लगा दी है, अभी जमानत पे घूम रहे हैं। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ ने जमकर किया प्रचार। कल भी बीजेपी के दिग्गज करेंगे प्रचार। सवाल के बदले पैसों के मामले में बढ़ी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें। सीबीआई ने शुरू की मामले की जांच। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स को सस्पेंड करने की मांग। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखे थे चुनावी वादे। उत्तरकाशी में टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 2 दिन में शुरू हो सकती है वर्टिकल ड्रिलिंग। सीएम धामी ने किया सुरंग का मुआयना। एनडीएमए ने कहा, मजदूरों को निकालने में लग सकता है वक्त। एट द मोमेंट द ऑगर इज बीइंग रिमूव्ड, देन दिस मैनुअल एफर्ट विल स्टार्ट इन द हॉरिजॉन्टल साइड। एंड अबाउट द वर्टिकल ड्रिलिंग, वर्टिकल ड्रिलिंग विल परहैप्स स्टार्ट इन अबाउट 48 आवर्स।
केरल के कोच्चि में CUSET यूनिवर्सिटी में भगदड़ में 4 छात्रों की मौत। संगीत समारोह के दौरान अचानक बारिश आ जाने से बची भगदड़। हादसे में 60 से ज्यादा छात्र घायल। यूपी के प्रयागराज में बस कंडक्टर पर चापर से जानलेवा हमला। मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी लारे भाषमी को पकड़ा। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में लगी गोली। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में सजा का ऐलान। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने हत्या के 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साल 2008 में दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी सौम्या विश्वनाथन की हत्या। पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर कनाडा में फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली फायरिंग की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सलमान खान को भी दी खुली धमकी। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। बेदाग चांद, लेकिन इस काम में 10 से 15 दिन का वक्त और लग सकता है, जबकि दूसरा प्लान टनल के दूसरे छोर यानी डंडाल गांव की ओर से पहाड़ तोड़कर मजदूरों तक पहुंचने का है, लेकिन इस काम में 35 से 40 दिन का वक्त लग सकता है। मतलब अगर सिलक्यारा की तरफ से रेस्क्यू फेल हुआ तो फिर मजदूरों की मुसीबत बढ़नी तय है। जैसे जैसे मजदूरों को बाहर लाने का समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे मजदूरों के स्वास्थ्य पर संकट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिछले 13 दिनों से मजदूर उस सुरंग के अंदर बंद और ना ही उन तक धूप पहुंच रही है और ना ही उनके पास साफ सफाई का कोई साधन है, जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, जिसको लेकर रेस्क्यू अभियान में जुटे अधिकारियों में भी चिंता बढ़ती जा रही है। इसीलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी उन 41 मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सुरंग के अंदर पैरा मेडिकल टीम को भेजने पर विचार कर रही है। पैरा मेडिक को भी भेजा जाएगा अंदर, जो डिटरमिन करेगा कि उनकी क्या काबिलियत है, उनके पास क्या, उनकी स्टेट ऑफ इमीडिएट स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है। इससे पहले भी उन मजदूरों में विटामिन डी की कमी होने की आशंका जताई जा चुकी है और उन मजदूरों के लिए विटामिन डी की दवाएं भी भेजी गई थी, लेकिन अब उससे भी ज्यादा वक्त बीत चुका है और ड्रिलिंग का काम रुकने की वजह से उन मजदूरों को बाहर लाने में अभी और वक्त भी लग सकता है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। सिलक्यारा की तरफ से मलबे को भेजते हुए पाइप डालने का काम अपने आखिरी चरण में है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही वक्त बाद 13 दिन में से फंसे मजदूर सुरंग से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। यानी थोड़ी देर बाद उत्तर काशी से खुशखबरी आ सकती है। अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों को निकालने के लिए पाइप बिछाने का काम अपने आखिरी पड़ाव में है, लेकिन मजदूरों तक पाइप की सुरंग बनाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि मलबे को भेद कर पाइप धकेलने के दौरान कई बार अड़चनों का सामना कर। आधी हकीकत आधा फसाना। आज हम एक दिलचस्प कहानी दिखाने जा रहे हैं। ये कहानी जुड़ी है देश के एक बड़े देवी धाम से। वैसे तो उस धाम में कई चमत्कारों का दावा होता है, लेकिन एक चमत्कार ऐसा है जिसे सुनकर, जिसकी तस्वीरें देखकर आप अचंभे में पड़ जाएंगे। लोग कहते हैं हर शाम जब मंदिर में देवी की आरती होती है, जब मंदिर में घंटियों की आवाज गूंजती है, तो अचानक जानवरों का झुंड अपने आप चला आता है। जानवर भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि जंगली भालू। जी हां, जंगली भालू जो हर शाम मंदिर में एक तय वक्त पर आते हैं, देवी की आरती में शामिल होते हैं, लोगों के हाथों से मंदिर का प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। आप सुनकर भी देखकर भी शायद विश्वास ना कर सकें कि एक ऐसी जगह हो सकती है जहां पर जंगली जानवर भालू आते हो, प्रसाद देते हो और चले जाते हो। भालू भी अपने आप में एक माँ की आस्था का प्रतीक बन के यहाँ पर आता है। यहाँ माता के दरबार में आकर के स्वयं हाथ से प्रसाद खा रहा है। मंदिर में ही आना, आरती के समय ही आना,
यह सचमुच माँ की एक विशेष कृपा और आस्था का केंद्र है। इन्हीं पहाड़ों की कंदराओं में भालू छुपे हुए हैं। कहाँ है रे? आ जा, आ, 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 अरे, आ जा छोटे। अब आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से बुलाया जा सकता है भालुओं को। भालू हमको दिखाई दिया है और बाइक से हम उनके पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। बोरा 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 सामने। अब वो वक्त आ चुका है जब किसी भी वक्त वो भालू आपके सामने होंगे। जो विज्ञान नहीं कहता वो मंदिर में रोज होता है। जो वैज्ञानिक नहीं मानते वो देवी के धाम में रोज दिखता है। कुछ खूंखार जंगली जानवरों का रोज देवी के मंदिर में आना क्या सिर्फ कोई दावा है, कहीं सुनी कहानी है या एक हैरान कर देने वाली हकीकत है? अगर हकीकत है तो क्यों, कैसे, किस लिए? भालू की अगर हम बात करेंगे तो हमारी आपकी यादें होंगी जूमेबंद भालू की या मदारी की डुगडुगी पर नाचते हुए भालू की। लेकिन असल में भालू एक बेहद खतरनाक जानवर है, बेहद अग्रेसिव जानवर है। ऐसे में इस कहानी के बारे में सुनकर हमें इस पर यकीन नहीं हुआ, तो हमने कुछ YouTube की वीडियोस खंगाली इसकी हकीकत जानने के लिए, और हमको एक नहीं कई सारी ऐसी वीडियोस मिली जिसमें भालू नजर आया मंदिर में आते हुए। एक वीडियो आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं कि भालू एक और बच्चे अपने बच्चे के साथ मंदिर में आ रहा है। लोग खड़े हुए हैं और लोगों के हाथ से भालू प्रसाद खा रहा है, बिल्कुल एक पालतू जानवर की तरह। ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये एक जंगली जानवर है। तो इस तरह की कई सारी वीडियोस हमें दिखाई दी जिसमें भालू मंदिर में आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही मंदिर के घंटे बजे, आरती का वक्त हुआ, भालू अंदर आ गया, कभी सीढ़ियों पर, कभी बच्चों के साथ, कभी लोगों के साथ। तो मतलब देखकर भी हमको यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। इन तस्वीरों को देखकर हमें क्या किसी को भी हैरत हो सकती है? साफ नजर आ रहा है कुछ भालू एक मंदिर में आते हैं और लोग बेखौफ उन्हें खिला पिला रहे हैं। दूसरी फुटेज में तो एक भालू मंदिर के अंदर तक जाते नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ इंटरनेट की तस्वीर पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या ये उसी धाम का नजारा है जिसका दावा हमारे सामने किया गया था? अगर ये वही धाम है तो क्या ये तस्वीरें सच्ची हैं? ये देखने और समझने के लिए हम उस धाम की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो रायपुर से अब हम महासमुंद की तरफ जा रहे हैं। रायपुर से करीबन 100 किलोमीटर दूर ये जगह है और यहीं महासमुंद से आगे वो मंदिर है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मंदिर है, मतलब आप सुनकर भी देखकर भी शायद विश्वास ना कर सकें कि एक ऐसी जगह हो सकती है जहां पर जंगली जानवर भालू आते हों, प्रसाद लेते हों और चले जाते हों। लेकिन वीडियोज़ हमने देखे हैं, लोगों ने हमें बताया, और इसी साक्ष्य की हकीकत को समझने के लिए, इसी सारे चमत्कार की हकीकत को समझने के लिए हम रायपुर आए, और रायपुर से अब हम महासमुंद जा रहे हैं। महासमुंद से आगे वो मंदिर है जहाँ पर भालू आता है। अक्सर ये देखा जाता है कि खाने की लालच में जंगली जानवर रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं। कहीं उस धाम में भी भालुओं के आने की वजह वहां मिलने वाला प्रसाद तो नहीं? इस शक को दूर करने के लिए धाम से पहले हम उस इलाके के वन विभाग अधिकारी के पास पहुंचे। वीडियोस देखे दिल्ली में और लोगों ने बताया कि इस तरह का एक मंदिर है जहां पर भालू आता है, तो ये कितनी हकीकत है, मतलब ये होता है वाकई ऐसा? इधर होता है, एक चंडी मंदिर करके है, बारह पे, तो वहाँ पे
पिछले 7-8 साल से बालू आते रहता है, तो वहाँ पे आने वाला लोग भी थोड़ा सा नारियल खिलाता है, वो वैसे रहता है। मैं भी एक्चुअली सरप्राइज है पहली बार देखने के समय, लेकिन वो वैसे होता ही है। होता है, पर मुझे ये बताइए कि भालू वैसे भी बाय नेचर थोड़ा अग्रेसिव होता है और इंसानों को लेके थोड़ा डर भी कम होता है, तो ऐसे में इतनी भीड़ में एक भालू अगर जाता है तो क्या है, इज इट सेफ? डेफिनेटली इट इज नॉट सेफ। इस बीच हमारी नजर इस बोर्ड पर पड़ी जिस पर एक चेतावनी लिखी थी। आपको मेरे पीछे ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, इस बोर्ड पे साफ साफ लिखा है कि ये भालू जो इस मंदिर में आते हैं आप उनको खाना मत दीजिए, उनको छूइए मत, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है और ऐसी किसी भी गलती के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। लेकिन ये बोर्ड दर्शाता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु और भालुओं के बीच में किस तरह का रिश्ता है, आप उन्हें छू सकते हैं, आप उन्हें खिला सकते हैं, और आज तक कभी भी यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु पर भालुओं ने हमला नहीं किया है, किसी भी तरह का कोई नुकसान आज तक नहीं पहुंचाया है, जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। चेतावनी वाले बोर्ड के पास ही नगाड़े के आकार के दो विशाल पत्थर भी थे। कहते हैं किसी जमाने में ये असली नगाड़े थे जिन्हें आरती के वक्त बजाया जाता था। लेकिन हमारी दिलचस्पी धाम से जुड़ी इन कहानियों में नहीं बल्कि उन भालुओं में थी जिनके हर शाम यहाँ आने का दावा किया जाता है। शाम होने से पहले हमें पूरी तैयारी करनी थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैमरे कहाँ लगाएं। देखिए आप लोगों का मुझे नहीं पता लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त सुपर एक्साइटेड हूं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वो वक्त करीब आता जा रहा है जब यहाँ पर कभी भी भालू पहुँच सकते हैं। रोज़ाना हो रहा है तो क्या आज भी होगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर चार रास्ते हैं और चारों रास्ते जंगल से कनेक्टेड हैं। एक रास्ता आपने देखा वो है सामने जहाँ से बच्चे आ रहे हैं इस वक्त, ये भी भालुओं को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक रास्ता ये है जो मंदिर का मेन रास्ता है, उसके अलावा दो रास्ते और भी हैं। तो चारों तरफ से चार रास्ते हैं और भालू किस रास्ते से आते हैं ये किसी को भी नहीं पता, किस रास्ते से आएंगे इस बारे में भी कोई नहीं जानता। तो हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम अगर उनको देखना चाहते हैं, उनका शॉट लेना चाहते हैं, तो हमको वहाँ पर रहना पड़ेगा जहाँ से भालू आएंगे, लेकिन ये पता नहीं कि किस रास्ते से आएंगे। सबसे ज़्यादा जो आने का उनका चांस है वो इसी रास्ते से होता है, क्योंकि ये जंगल से मेनली कनेक्टेड है और इसके आगे ये जाल भी लगा रखा है इसीलिए, ताकि भालू इससे ज़्यादा आगे ना आए और लोग आसानी से देख सकें। तो यहीं पर हम लोग मौजूद रहेंगे और यहीं पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि भालू आते हैं या नहीं। वक्त बीतता जा रहा था लेकिन भालुओं का कोई अता पता नहीं था। लोगों के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक भालू मंदिर में आ जाते हैं, तो आज कहां रह गए? हमें बताया गया कि कई बार भीड़ देखकर भालू वापस जंगल चले जाते हैं। फिर कुछ लोगों को साथ लेकर हम जंगल की तरफ बढ़े। पिछले कई घंटे से हम थे और मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 बजे के बाद भालू आना शुरू हो जाते हैं। भालू अमूमन आ जाते हैं 4 बजे के बाद से आने लगते हैं, लेकिन अभी वक्त मैं आपको दिखाऊं तो 6 बजने वाला है। 5:45 इज़ द टाइम राइट नाउ, 5:45, भालू नहीं आया। पराग पिछले कई सालों से यहाँ पर आते हैं, शौक़ है भालुओं से बहुत ज़्यादा, इनकी दोस्ती है। हैं आपकी दोस्ती है? हाँ सर। अच्छा, तो इनका ये कहना है कि इन्हीं पहाड़ों की कंदराओं में भालू छुपे हुए हैं, तो ये हमको वहाँ ले जाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आज भालू नहीं आए हैं तो उसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि रोज़ाना आते हैं। हाँ जी सर। रोज़ाना आते हैं? हाँ सर। अच्छा, तो आज क्यों नहीं आए होंगे? आज देखते हैं सर, बारिश होता है ना सर, तो कभी कभी नहीं आते हैं। हाँ, बारिश होती है तो नहीं आते हैं। बारिश का थोड़ा मौसम यहाँ पे बना हुआ था पिछले 2 दिन से, अभी इस वक्त बारिश नहीं है, तो वहीं गुफाओं में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर। चलिए। ये वाला सर, जो ये वाला दिख रहा है ना, हाँ, डंडी जैसे, बस हाँ, इसके पीछे गुफा है सर। ये जब पत्थर चढ़ेंगे बड़ा वाला, हाँ, जस्ट उसके पीछे है सर उसका गुफा। उसके पीछे गुफा है। तुम्हें आवाज आ रही है सर? थोड़ा सा आवाज आया सर, देखते हैं फिर क्या चीज है करके। पराग हमें वहीं रुकने का इशारा करके अकेले आगे चला गया।
इससे आगे बढ़ने को उसने मुझसे मना किया है कि अब आप यहीं बैठिए, इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अब हम जब उसके बिल्कुल घर के पास अगर जाएंगे तो हमको नहीं पहचानते हैं वो भालू, पराग को पहचानते हैं, और भालू बहुत आक्रामक हो सकता है, उसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं अब यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, पराग वहाँ देख रहा है, अब पता नहीं वहाँ पर भालू है या नहीं, ये तो वहीं पता चलेगा, बट सेफ्टी जो है वो सबसे बड़ा कंसर्न है, इस वक्त हमको सेफ रहने की ज़रूरत है। सुनसान जंगल और ऐसे में जंगली भालू के हमले का खतरा, डर की परछाइयां चेहरे पर तैर रही थी, खतरा किसी भी पल किसी भी दिशा से आ सकता था। पराग को गए काफी वक्त गुजर गया, एक अनजान खौफ सताने लगा था, तभी एक आहट ने हमें बुरी तरह चौंका दिया। कहीं पराग को कुछ हो तो नहीं गया, ये सोचकर हम तेजी से भालू की गुफा की तरफ बढ़े। तमाम आशंकाओं से दिल बैठा जा रहा था, फिर पराग को सुरक्षित देखकर जान में जान आई, जो गुफा के मुहाने पर खड़ा था। ये वाला सर, ये वाला है ना, जस्ट ये गुफा है सर। यहाँ पर अंदर उन भालुओं की गुफा, अभी कोई ऐसी गुफा नहीं है जिसमें छतपथ हो, दो पत्थरों के बीच में एक स्पेस है जहाँ पर वो आसानी से रह सकते हैं, बारिश धूप से बच सकते हैं, तो उस तरह का इंतज़ाम है। अब इससे आगे जाना मेरे लिए तो ख़तरनाक होगा, आप जाइए और पराग से समझिए कि कहाँ है। पराग ने गुफा में झांक कर देखा, लेकिन भालू वहाँ नहीं था, शायद कुछ देर पहले वो इसी गुफा में था, क्योंकि हमने आवाज़ सुनी थी। पूरी कोशिश कर ली उस आखिरी पॉइंट तक आपको ले आए जहाँ पर भालुओं का डेरा है, और यहाँ पर अगर भालू होते तो आपको दिखाई दे जाते, लेकिन इस वक्त भालू है नहीं। सवाल यह है कि अब ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि भालू इस मंदिर के आसपास की पहाड़ियों में रहते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, तो आसपास रहते हैं तो ज़ाहिर है खाना भी आसपास ही तलाशेंगे, लेकिन उसी मंदिर में क्यों तलाशते हैं, और क्या हमारे सामने वो उस मंदिर में आएंगे, ये बड़ा सवाल है जो हम आज नहीं कल अब इसके बारे में पता कर पाएंगे। आधी हकीकत आधा फसाना। अब तक हमने जो पड़ताल की थी उसे इतना तो साफ था कि जंगल में भालू मौजूद हैं, लेकिन यह कहना अब भी मुश्किल था कि ये वही भालू हैं जो हर शाम देवी के मंदिर में आते हैं, वो भी एक तय वक्त पर। हम इस कहानी पर यकीन इसलिए भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पहले दिन हमें मंदिर में कोई भालू नजर नहीं आया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि पहले दिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मंदिर के आसपास जोरदार बारिश हुई। लोगों के मुताबिक बारिश के वक्त अक्सर भालू जंगल के बाहर नहीं निकलते। खैर, हकीकत और फसाने का जो फैसला कल नहीं हुआ वो आज होने वाला था, क्योंकि आज मौसम बिल्कुल साफ था। पहले दिन दावे के मुताबिक मंदिर में भालू नहीं आया, तो दूसरे दिन हमें कुछ ऐसे लोगों की तलाश थी जो धाम में भालू के आने के गवाह हों, जिन्होंने अपनी आंखों से उस चमत्कार को देखा हो। एक बार की बात है, मैं यहाँ पे चंडी मंदिर में जब इसका विस्तार ज़्यादा नहीं हुआ था और यहाँ पे मैं पूजा करने आया था शाम के समय में, तो यहाँ बारिश हो रही थी हल्की फुल्की और कोई थे भी नहीं यहाँ पे लोग ज़्यादा, तो मैं बोला कि चलो आरती करके जाता हूँ मैं, तो मैं अपना आरती करने लगा और इस बीच में आके देखता हूँ तो सामने में भालू जो है मेरे बाजू में आके बैठा है, और मैं घबरा गया। मैं जैसे तैसे पूजा निपटाया, उसके बाद वो आरती की थाली भालू के सामने रख दिया, भालू प्रसाद ग्रहण किया और चुपचाप चले, और वो कुछ भी नहीं किया। तो इसे क्या चमत्कार कितना देखते हैं? बिल्कुल चमत्कार। फिर हमें एक ऐसे शख्स के बारे में बताया गया जिसके पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हमारे हर सवाल का जवाब दे सकती हैं। क्या हाल है भाई, क्या नाम है आपका? किशन। अच्छा किशन, यही मंदिर में फोटो खींचते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो भालू आते हैं उनके भी खींचते हो? भैया खींचता हूँ रोज। अब क्या है ना भैया,
5 भालू है यहाँ पर, छोटा छोटा बच्चा लेके आता है, शरारती कहते रहते हैं, वीडियो लेने में भी मजा आता है। अच्छा, तो रोजाना आते हैं? रोजाना आते हैं भैया, महीने में एक आध बार दो बार ऐसे आड़ हो जाता है, कभी कभी नहीं आता, वरना हमेशा आता है। वरना हमेशा आता है। तो दिखाओ कुछ वीडियोस वगैरह हमको। किधर? कंप्यूटर। दिखाओ जी। कमाल की वीडियो है, बच्चे हैं, उनकी माँ है और मंदिर में इस तरह से खेल रहे हैं जैसे जंगल में हो। देखिए, तो देखा आपने किस तरह से मंदिर में बिल्कुल इस तरह से पेश आ रहे हैं ये भालू कि वो जंगल में हैं, उनको किसी का डर नहीं है। तो मंदिर की सीढ़ियों तक भी आते हैं भालू। दिखाओ। ओ, ये तो बिल्कुल अंदर तक है। आप देखिए किस तरह से बिल्कुल सीढ़ियों पर भालू है। तो देखा आपने, मतलब दिन के वक्त में ये भालू मंदिर की सीढ़ियों पर मौजूद है, मतलब बिल्कुल अंदर गर्भगृह तक के पास ये भालू मौजूद है। किसी इंसान का डर नहीं है। खिलाते हैं लोग भालुओं को? हाँ। काटते बाटते नहीं है? नहीं। दिखाओ। आप ये देखिए, प्रांगण में भालुओं को भालू हाथ से खा रहे हैं इंसानों के। देखिए आप वीडियो देखिए। ये सारी फुटेज इंटरनेट की नहीं थी, इसे मंदिर में ही लाइव रिकॉर्ड किया गया था, जिसे मंदिर प्रशासन ने संभाल कर रखा है। तभी इन तस्वीरों में हमें एक ऐसा शख्स दिखा जो भालुओं के साथ एक बच्चे की तरह खेल रहा था। मालूम चला कि लोग इसे बेयर मैन के नाम से पुकारते हैं। भालू इसके हर इशारे को समझते हैं, उसकी उंगलियों पर नाचते हैं। हमसे कहा गया कि भालू देखना है तो उस बेयर मैन को अपने साथ रखिए, जो इस वक्त भालुओं की गुफा के आसपास ही कहीं मिलेगा। जब से मैं आया हूं तब से एक आदमी का जिक्र हो रहा है कि वो बियर मैन है, बियर मैन है। भालू और उनका ताल्लुक है इतने सालों से कि वो जैसे चाहते हैं उन भालुओं को चला देते हैं। और यकीन नहीं हो रहा था तो लोगों ने वीडियो भी दिखाई, तो काफ़ी वक्त से तलाश रहे हैं और यहीं बताया था। देखिए वो रेशा है, आइए। सर नमस्कार, क्या हाल है सर? सब बढ़िया भैया। और बताइए। बस बढ़िया। मुझे बताया कि भालुओं के बारे में इस मंदिर में अगर कोई जानता है तो आप ही सबसे बेहतर आदमी हैं। हाँ, लेकिन यहाँ क्या है, मैं बहुत दिनों से हूँ, करीबन करीबन 5 से 7 साल हो गए। मैं यहाँ भालू के बारे में थोड़ा देख रेख उन लोग का खान पान या उनको कुछ। आपका बहुत खास लगाव है। हाँ, बहुत ज़्यादा। परिवार की तरह? परिवार की तरह। अच्छा, तो चलिए दिखाइए ज़रा कहाँ मिल सकते हैं, क्या है। आवाज बुलाकर भालुओं को बुलाने की कवायद रंग नहीं लाई। तब मिंटू ने बताया कि गर्मी की वजह से भालू पथरीले इलाके को छोड़कर नीचे जंगल में चले गए होंगे, ऐसा अक्सर होता है। He's still trying. मिंटू अभी भी आवाज लगाकर बुलाने की कोशिश कर रहा, हो सकता है वो आसपास यहीं किसी जंगल में हो। तलाश करते करते काफी देर हो गई, जंगल में अंधेरा छाने लगा, लेकिन वो भालू हमें कहीं नहीं मिला। हम थक हार कर मंदिर लौट आए जहां आरती शुरू हो चुकी थी। तभी बाहर कुछ शोर सुनाई दिया, फिर हमने बाहर आकर जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। एक भालू मंदिर की चौखट पर खड़ा था। जिस तस्वीर की तलाश में हम 2 दिन से मंदिर में भटक रहे थे, वो तस्वीर हमारे सामने थी। एक जंगली भालू मंदिर की चौखट तक आ चुका था। हमारे लिए ये सब कुछ बेहद चौंकाने वाला था। ऐसी तस्वीर से हमारा पहले कभी सामना नहीं हुआ था। हमारी टीम थोड़ी डरी सहमी सी मंदिर के गलियारे में ही मौजूद थी और आगे क्या होने वाला है इस पर हमारी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। अब यह देखना बाकी था कि आखिर वो जंगली भालू मंदिर में करता क्या है, देवी की आरती में कैसे शामिल होता है, और मंदिर में आने वाला ये इकलौता भालू है या कुछ ही देर में
एक और झुंड आने वाला है। आरती की जैसे ही आवाज हुई वैसे ही भालू आ गया। खुद आप देखिए सामने भालू दिखाई दे रहा है। आरती चल रही है और आरती के साथ साथ भालू यहाँ पर पहुँच चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मतलब अपने आप में एक कमाल है। यकीन करना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, लेकिन हकीकत यही थी कि आरती के समय एक भालू मंदिर में आया था। इतना शॉकिंग इंसिडेंट है, मैं बताऊं यहाँ पर खड़े होकर मुझे खुद बहुत अजीब लग रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन ये वाकई में कितना कमाल है जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये बेहद खतरनाक एक जंगली जानवर जो इस तरह से चला जा रहा है जैसे न जाने यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर भालू कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। मुझे इतना डर लग रहा है इस वक्त यहाँ पर ये करना, लेकिन क्या मैं इसको पिला पाऊंगा, मैं ये सोच रहा हूँ। ये देखिए, ये कोशिश है, ये अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है कि एक जंगली भालू इंसान से इस तरह से माजा पी रहा है। ये शॉकिंग है अपने आप में और वाकई में मतलब इस मंदिर में ये चमत्कार है जो आपकी आंखों के सामने इस वक्त घट रहा है। शायद ही कभी किसी ने इस तरह की कोई चीज़ देखी हो। ये देखिए, ये जंगली भालू है, बिल्कुल जंगल में रहने वाला भालू है और इसका रवैया देखिए। और ये इस मंदिर का चमत्कार है, इस मंदिर की कृपा है, इस मंदिर की महिमा है। जैसा लोग कहते हैं कि ये आरती का घंटी बजी, हम लोगों को पता भी नहीं था, हमने भालू को दूर जाते हुए देखा और ये भालू यहाँ पर पहुँच गया। ये वाकई में कमाल है अपने आप में। भालू पलट कर जाने लगा लेकिन मिंटू की आवाज सुनकर रुक गया। और प्रसाद खाने लगा। आरती की आवाज के साथ ही लोगों की इतनी भीड़ है, उसके बावजूद भी एक जंगली जानवर का इस मंदिर में आना, ये अपने आप में कमाल है। क्योंकि एक इम्पॉसिबल सी चीज है कि इतने लोगों के बीच में एक जंगली जानवर जंगल से निकलकर यहाँ पर आएगा और वो भी तब जब आरती चल रही है। मतलब सबसे ज्यादा म्यूजिक यहाँ पे बज रहा है, सबसे ज्यादा शोर हो रहा है और उस वक्त में ये भालू यहाँ पर आया है। ये अपने आप में कमाल है। मतलब मेरे लिए इस तरह की शायद कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं मैंने की थी और दुनिया में शायद ही कोई दूसरी जगह हो जहाँ पर जंगल से निकलकर आरती की आवाज़ में जैसे ही घंटी बजनी शुरू हुई मंदिर की, वैसे ही ये भालू यहाँ पर पहुँच गया। ये कमाल है क्योंकि मैं इसके पीछे जंगल तक गया था, दूसरे जंगल की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया था, ये उम्मीद ही नहीं थी कि भालू यहाँ पर पहुँचेगा, लेकिन ये अपने आप में कमाल है। ये चमत्कार था या कुछ और, लेकिन जो भी था आंखों के सामने था। ये देखिए, ये देखिए, ये मुझे डर लग रहा है वाकई में। जब मैं कर रहा हूं तो मुझे डर लग रहा है, लेकिन ये भालू बिल्कुल ऐसे पी रहा है जैसे आप किसी बच्चे को बॉटल से पिला देते हैं। ये एक जंगली जानवर है और उसके बावजूद ये बिल्कुल उस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कोई जंगली जानवर। आओ आओ, कुश कुश कुश, आओ कुश। इसका नाम कुश है और कुश के नाम से मैं इसे बुला रहा हूँ। इतनी भीड़ में अगर एक बार ये कैमरा आपको घुमा के दिखा पाएगा तो आपको भीड़ का अंदाज़ा होगा कि कितने हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और उसके बावजूद ये भालू यहाँ पर आया है। ये अपने आप में इतना शॉकिंग है, शायद ही कैमरे पे आपने इस तरह की कोई भी चीज़ कभी देखी हो। आइए आइए, ये देखिए, खुश को कहा जा रहा और खुश इत्मीनान से आके इसको पी लेगा। ये लीजिए, ये देखिए, ये एक स्लॉथ बियर है। इसके नाखून भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि किस कदर खतरनाक इसके नाखून हैं और उसके बावजूद भी ये यहाँ पर आया है। अचानक भालू मंदिर से जाने लगा।
हम भी उसके पीछे पीछे गए। वो चला गया है, लेकिन अब हम उसके पीछे जा रहे हैं। मंदिर की आरती की आवाज आपको लगातार आ रही होगी, और ये वाकई में मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड, जिंदगी में नहीं सोचा था कि होगा कि जहां मंदिर की आरती शुरू हुई वहां पर भालू आ गया अपने आप। हजारों की भीड़ में कभी सोच भी नहीं सकते कि हजारों की भीड़ में एक भालू आएगा और यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए मंदिर के पास यहीं पर मौजूद है अभी भी, जब तक आरती पूरी नहीं होगी यहीं पर रहेगा, ऐसे ही लोग कहते हैं, और यहीं पर है। ये कहां से आते हैं ये जानने के लिए हम भालू का जंगल में पीछा कर रहे थे। ये मतलब इस तरह से एक जंगली भालू इंसानों के साथ बिहेव कर रहा है, आप सोचिए। मतलब जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे बेहद डर लग रहा था, और अभी मैं इससे 5 मीटर की दूरी पर हूँ और ये चाहे तो 2 मिनट में मुझे ख़त्म कर सकता है। लेकिन ये इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कोई पालतू जानवर हो, और कहा ही जाता है कि सिर्फ मंदिर परिसर के अंदर ही ये इस तरह से बिहेव करता है, इस तरह का रवैया होता है। बाहर निकलते ही ये वापस अपने उसी खूंखार रूप में आ जाएगा। किसी भी जंगली जानवर के साथ इस तरह मत करिएगा, ये सिर्फ इसी मंदिर में मुमकिन है। यहीं पर ये इस तरह से चमत्कार आपको दिखाई दे सकता है, और कहीं पर भी कभी कोशिश मत करिएगा इस तरह का कुछ करने की, ये बेहद खतरनाक है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन भालू रुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जूस खत्म हो गया, प्रसाद पूरा मिल गया, और वो दूर चला गया है, वो जा रहा है। रात का वक्त है, 12 बज चुके हैं, और वो भी अब अपने घर जाना चाहता होगा। और ज़्यादा देर रोकना इसको ठीक नहीं है, लेकिन ये जो चमत्कार आपने देखा है ये वाकई आंखों से देखे बिना इस पर यकीन करना मुश्किल है। आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए आपको लगेगा कि कुछ एडिट किया गया है या कुछ इसमें वो किया गया है, लेकिन वाकई जो कुछ बताया जा रहा है उसमें 100% हकीकत है, फसाना कुछ नहीं। इससे आगे घना जंगल था, और रात के वक्त ये खतरा उठाने के लिए हम तैयार नहीं थे। हमने पीछा करना छोड़ दिया। फिर वो भालू धीरे धीरे जंगल के अंधेरे में कहीं गुम हो गया। लेकिन जाते जाते वो भालू हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ गया। वो इस धाम में क्यों आया था? क्या ये वाकई देवी का चमत्कार था, या पेट की भूख उसे यहां खींचकर लाई थी? अब इस धाम में तो इसे सभी चमत्कार ही बता रहे थे। तब हम इस सवाल का जवाब तलाशने दिल्ली में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के पास पहुंचे, जिन्होंने किसी चमत्कार की बात को नहीं माना। एक्सपर्ट ने बताया कि भालुओं को मिठाई जैसी बाहरी चीजें खिलाना खतरनाक भी हो सकता है। इंसान भी एक जानवर है, लेकिन ये 2 पांव का जानवर सबसे खतरनाक होता है, तो उसको वो अपने पास किसी ऐसे जानवर को क्यों बुला रहा है जो बिल्कुल निरीह है, बहुत सुंदर है, जिसको नेचर ने बोला कि तू टर्माइट खा, फ्रूट खा, उसको अगर लड्डू खिला रहे हो तो उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होंगे जो उसके पूरे लाइफस्टाइल को चेंज करेगा, इवन ब्रीडिंग पैटर्न को इफेक्ट करेगा। जो न्यूट्रिशन लेवल उसको बेर से मिलता है, जो उसका कंपोनेंट व्हाट यू कॉल वाइट एंड देता है, वो मिठाई तो नहीं देगा कभी। एक्सपर्ट के मुताबिक भालुओं के केवल उसी धाम में आने की वजह वहां मिलने वाला ज्यादा खाना हो सकता है। लेकिन इन सारे तर्कों के बावजूद एक हकीकत यह भी है कि धाम में शाम के वक्त भालू आते हैं और लोग इसे देवी के चमत्कार से जोड़कर देखते हैं। हमारा फर्ज था कि हम उस दावे से जुड़ी सारी तस्वीरों को दिखाएं और उसके सारे पक्षों को आपके सामने लाएं, और हमने वही किया। अब धाम में भालू के आने की वजह चमत्कार है या भोजन की जरूरत या फिर कोई संयोग, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। बेदाग चांद। आम मुसीबतों को पार करते हुए रेस्क्यू टीम मजदूरों तक पाइप पहुंचाने में कामयाब हो गई। यमुनोत्री हाईवे पर बन रही ये सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी। सिलक्यारा की तरफ से करीब 2.5 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसी तरफ से 12 नवंबर को सुरंग धस गई और मलबा 60 मीटर तक फैल गया। इसीलिए सिलक्यारा की ओर से एक के पीछे एक जोड़कर 6-6 मीटर लंबे पाइप डाले गए। सुरंग में पहले 36 इंच चौड़े पाइप एक के पीछे एक जोड़कर मशीन से धकेले गए। इसके बाद
32 इंच के पाइप भी इसी तरह जोड़कर मलबे में डाले गए और तब जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन के 13वें दिन मजदूरों को निकालने के लिए पाइप की सुरंग तैयार की जा सकी। सुरंग के अंदर पिछले 13 दिन से फंसे 41 मजदूरों के बाहर आने का इंतजार पूरा देश कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार मजदूरों को पाइप के जरिए सुरंग से निकालने के लिए मॉक ड्रिल करने में जुटी, जिसका एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में एनडीआरएफ के दो जवान रस्सी की मदद से पाइप के अंदर से एक दूसरे जवान को स्ट्रेचर पर खींचते नजर आए। इस मॉक ड्रिल के जरिए ये जानने की कोशिश की गई कि जब स्ट्रेचर से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा तो उन्हें किस तरह की परेशानी हो सकती है। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें एक जवान को पाइप के अंदर भेजा गया, पाइप से एनडीआरएफ के उस जवान को निकालने के लिए पहिए लगे स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए स्ट्रेचर के अगले हिस्से से एक रस्सी बांधी गई, जबकि स्ट्रेचर पर वो जवान पेट के बल लेट गया। फिर टनल के बाहर मौजूद एनडीआरएफ के जवानों ने उसे रस्सी के सहारे बाहर खींच लिया। स्ट्रेचर में पहिए लगे होने की वजह से वो तेजी से बाहर आता दिखा। बाहर आने के बाद उस जवान ने ये बताया कि अंदर सांस लेने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और स्ट्रेचर के जरिए वो आसानी से बाहर आ गया। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के बाहर आने का इंतजार पूरा देश कर रहा है, लेकिन बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान। कुछ देर के लिए पीएम मोदी ने तेजस का कंट्रोल भी संभाला। सोशल मीडिया एक्सपर्ट पीएम ने लिखा, मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर बंपर वोटिंग, 72.57% मतदान ने तोड़े कई रिकॉर्ड। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत ने वोट डाला, वसुंधरा राजे ने झालावाड़ और जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया मतदान। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया पिछड़े वर्ग को धोखा देने का आरोप। तेलंगाना की रैली में कहा, जमानत पर बाहर टहल रहे कांग्रेस के नेता पिछड़े वर्ग को दे रहे हैं गाली। और बीसी को चोर कहने के कारण कांग्रेस को एक नेता को कोर्ट ने 2 साल की सजा लगा दी है, अभी जमानत पे घूम रहे हैं। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ ने जमकर किया प्रचार। कल भी बीजेपी के दिग्गज करेंगे प्रचार। सवाल के बदले पैसों के मामले में बढ़ी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें। सीबीआई ने शुरू की मामले की जांच। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स को सस्पेंड करने की मांग। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखे थे चुनावी वादे। उत्तरकाशी में टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 2 दिन में शुरू हो सकती है वर्टिकल ड्रिलिंग। सीएम धामी ने किया सुरंग का मुआयना। एनडीएमए ने कहा, मजदूरों को निकालने में लग सकता है वक्त। Then this manual effort will start in the horizontal side. And about the vertical drilling? Vertical drilling will perhaps start in about 48 hours. केरल के कोच्चि में CUSAT यूनिवर्सिटी में भगदड़ में 4 छात्रों की मौत। संगीत समारोह के दौरान अचानक बारिश आ जाने से बची भगदड़, हादसे में 60 से ज्यादा छात्र घायल। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर चापड़ से जानलेवा हमला। मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी लाड़े भाषमी को पकड़ा। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में लगी गोली। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में सजा का ऐलान। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने हत्या के 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साल 2008 में दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी सौम्या विश्वनाथन की हत्या। पंजाबी सिंगर गिपी ग्रेवाल के घर पर कनाडा में फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली फायरिंग की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सलमान खान को भी दी खुली धमकी। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। बाद भी उन्हें बाहर लाने का रास्ता नहीं बन पाया क्योंकि सिलक्यारा सुरंग के अंदर मलबा हटाने में लगी ऑगर मशीन एक बार फिर से बंद पड़ गई और अब उस ऑगर मशीन को ठीक करने के लिए फिर से सुरंग से बाहर लाया गया है। इससे पहले भी ऑगर मशीन मलबा हटाने के समय रास्ते में लोहे के सरियों के टुकड़ों में फंस गई थी, जिसके बाद करीब 36 घंटे से ज्यादा का समय लगा था सुरंग के अंदर दोबारा ड्रिलिंग शुरू करने में।
लेकिन दोबारा खुदाई शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही बताया गया कि ड्रिलिंग कर रही ऑगर मशीन एक बार फिर से खराब हो गई। दोबारा ड्रिलिंग के समय 48 मीटर से आगे ऑगर मशीन सिर्फ 2 मीटर तक ही मलबा हटा पाई थी कि उसमें दोबारा खराबी आ गई, जिसके बाद एक बार फिर सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम बीच में ही रुक गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों ने दावा किया कि जल्द से जल्द मशीन को ठीक कर फिर से ड्रिलिंग की जाएगी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहिए लगे स्ट्रेचर से मजदूरों को सुरक्षित निकालने में रेस्क्यू टीम को कोई दिक्कत नहीं होगी। खबर है कि पाइप के रास्ते सुरंग के अंदर दाखिल होने के लिए एनडीआरएफ की एक टीम पूरी तरह तैयार है और टनल के बाहर हर उस चीज का इंतजाम किया गया जिसकी जरूरत रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पड़ेगी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ ने 15 लोगों की एक टीम बनाई। इस टीम में डॉक्टर भी शामिल हैं जो एनडीआरएफ के जवानों के साथ पाइप की बनाई सुरंग के रास्ते मजदूरों तक पहुंचेंगे। टीम के लोग अपने साथ हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर भी सुरंग में ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बचाव दल के अंदर पहुंचने के फौरन बाद ही मजदूरों को निकालना शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले डॉक्टर मजदूरों की जांच करेंगे, इसके बाद उन्हें मौसम और बाहर के हालात की जानकारी दी जाएगी और फिर टनल से सबसे पहले उन मजदूरों को निकालने का प्लान बनाया गया है जिनकी हालत ज्यादा खराब होगी। मतलब मजदूरों को रेस्क्यू करने में किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं होगी, इसी वजह से ये। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान। कुछ देर के लिए पीएम मोदी ने तेजस का कंट्रोल भी संभाला। सोशल मीडिया एक्सपर्ट पीएम ने लिखा, मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर बंपर वोटिंग, 72.57% मतदान ने तोड़े कई रिकॉर्ड। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत ने वोट डाला, वसुंधरा राजे ने झालावाड़ और जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया मतदान। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया पिछड़े वर्ग को धोखा देने का आरोप। तेलंगाना की रैली में कहा, जमानत पर बाहर टहल रहे कांग्रेस के नेता पिछड़े वर्ग को दे रहे हैं गाली। और बीसी को चोर कहने के कारण कांग्रेस को एक नेता को कोर्ट ने 2 साल की सजा लगा दी है, अभी जमानत पे घूम रहे हैं। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ ने जमकर किया प्रचार। कल भी बीजेपी के दिग्गज करेंगे प्रचार। सवाल के बदले पैसों के मामले में बढ़ी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें। सीबीआई ने शुरू की मामले की जांच। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स को सस्पेंड करने की मांग। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखे थे चुनावी वादे। उत्तरकाशी में टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 2 दिन में शुरू हो सकती है वर्टिकल ड्रिलिंग। सीएम धामी ने किया सुरंग का मुआयना। एनडीएमए ने कहा, मजदूरों को निकालने में लग सकता है वक्त। एट द मोमेंट द ऑगर इज बीइंग रिमूव्ड देन दिस मैनुअल एफर्ट विल स्टार्ट इन द हॉरिजॉन्टल साइड। एंड अबाउट द वर्टिकल ड्रिलिंग, वर्टिकल ड्रिलिंग विल परहैप्स स्टार्ट इन अबाउट 48 आवर्स। केरल के कोची में सीयूएसएटी यूनिवर्सिटी में भगदड़ में 4 छात्रों की मौत। संगीत समारोह के दौरान अचानक बारिश आ जाने से बची भगदड़। हादसे में 60 से ज्यादा छात्र घायल। यूपी के प्रयागराज में बस कंडक्टर पर चापर से जानलेवा हमला। मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी लारे भाषमी को पकड़ा। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में लगी गोली। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में सजा का ऐलान। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने हत्या के 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साल 2008 में दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी सौम्या विश्वनाथन की हत्या। पंजाबी सिंगर गिपी ग्रेवाल के घर पर कनाडा में फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली फायरिंग की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सलमान खान को भी दी खुली धमकी। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। रेस्क्यू टीम के अंदर जाने के बाद मजदूरों को बाहर आने में 3 से 4 घंटे का वक्त भी लग सकता है। 13 दिन से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की चुनौतियां सामने। कई बार मजदूरों तक पाइप की सुरंग बनाने के दौरान
रेस्क्यू टीम को कई तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ा और इसी वजह से लोगों की सांसें अटकी रहीं, क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान कभी सरिया तो कभी पत्थर मजदूरों तक पहुंचने में बाधा बने रहे। यह हादसा 12 नवंबर को हुआ था। उसी के बाद से मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सबसे पहले 12 नवंबर को 35 हॉर्स पावर यानी कम ताकत वाली ऑगर मशीन से सिलक्यारा की तरफ से 15 मीटर तक मलबा हटाया गया, लेकिन 13 नवंबर को मलबा दोबारा गिरने से ड्रिलिंग रोक दी गई। 15 नवंबर को खुदाई के दौरान ऑगर मशीन खराब हो गई। इसके बाद 16 नवंबर को दिल्ली से लाई गई ताकतवर ऑगर मशीन से एक बार फिर ड्रिलिंग शुरू हुई, लेकिन 17 नवंबर की दोपहर में मशीन के आगे पत्थर आने की वजह से खुदाई रोकनी पड़ी और इसके बाद अगले 5 दिन तक रुक रुक कर खुदाई होती रही। लेकिन 23 नवंबर यानी रेस्क्यू ऑपरेशन के 12वें दिन खुदाई 3 बार रोकनी पड़ी। पहली बार ऑगर मशीन के सामने सरिया आ गया जिससे मशीन के कुछ कलपुर्जे खराब हो गए। बाद में एनडीआरएफ ने सरिये को काट कर अलग किया। इसके बाद जब ड्रिलिंग शुरू हुई तो तेज कंपन से मशीन का प्लेटफॉर्म ही धस गया। उत्तरकाशी की सुरंग में ड्रिलिंग का काम रुकने की वजह से वहां फंसे 41 मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार और लंबा हो गया। दावा यह किया गया कि ड्रिलिंग कर रही ऑगर मशीन को ठीक होने में वक्त लग सकता है और इसीलिए सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर लाने की रणनीति फिर नए सिरे से बनाए जाने पर जोर दिया जाने लगा। दावा किया गया कि अगर ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन को ठीक होने में ज्यादा समय लगता है तो सुरंग के अंदर मलबे को हटाने का काम मजदूरों के जरिए भी शुरू करवाया जा सकता है। अब तक करीब 50 मीटर तक मलबा हटाया जा चुका है और करीब 7 से 8 मीटर तक मलबा हटाया जाना बाकी है, लेकिन पिछले 3 दिनों में बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान। कुछ देर के लिए पीएम मोदी ने तेजस का कंट्रोल भी संभाला। सोशल मीडिया एक्सपर्ट पीएम ने लिखा, मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर बंपर वोटिंग, 72.57% मतदान ने तोड़े कई रिकॉर्ड। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत ने वोट डाला, वसुंधरा राजे ने झालावाड़ और जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया मतदान। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया पिछड़े वर्ग को धोखा देने का आरोप। तेलंगाना की रैली में कहा, जमानत पर बाहर टहल रहे कांग्रेस के नेता पिछड़े वर्ग को दे रहे हैं गाली। और बीसी को चोर कहने के कारण कांग्रेस को एक नेता को कोर्ट ने 2 साल की सजा लगा दी है, अभी जमानत पे घूम रहे हैं। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ ने जमकर किया प्रचार। कल भी बीजेपी के दिग्गज करेंगे प्रचार। सवाल के बदले पैसों के मामले में बढ़ी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें। सीबीआई ने शुरू की मामले की जांच। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स को सस्पेंड करने की मांग। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखे थे चुनावी वादे। उत्तरकाशी में टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 2 दिन में शुरू हो सकती है वर्टिकल ड्रिलिंग। सीएम धामी ने किया सुरंग का मुआयना। एनडीएमए ने कहा मजदूरों को निकालने में लग सकता है वक्त। एट द मोमेंट द ऑगर इज बीइंग रिमूव्ड then this manual effort will start in the horizontal side. And about the vertical drilling? Vertical drilling will perhaps start in about 48 hours. केरल के कोच्चि में CUSAT यूनिवर्सिटी में भगदड़ में 4 छात्रों की मौत। संगीत समारोह के दौरान अचानक बारिश आ जाने से बची भगदड़। हादसे में 60 से ज्यादा छात्र घायल। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर चापर से जानलेवा हमला। मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी लारे भाषमी को पकड़ा। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में लगी गोली। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में सजा का ऐलान। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने हत्या के 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साल 2008 में दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी सौम्या विश्वनाथन की हत्या। पंजाबी सिंगर गिपी ग्रेवाल के घर पर कनाडा में फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली फायरिंग की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सलमान खान को भी दी खुली धमकी। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही।
में जुटी ऑगर मशीन दो बार खराब हो चुकी है और सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर लाने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए मलबे को मजदूरों की मदद से भी हटाने पर चर्चा तेज होने लगी। रेस्क्यू टीम ने हिम्मत नहीं हारी। यह हादसा 12 नवंबर को दिवाली के दिन हुआ, जिसके बाद सुरंग में मजदूरों के फंसे होने की खबर मिलते ही रेस्क्यू के लिए बिना देर किए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बीते 13 दिन से दिन रात भुलाकर रेस्क्यू टीम टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बचाने में जुटी। क्योंकि 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन सुबह करीब 5:30 बजे जमीन धंसने से उत्तरकाशी में चार धाम प्रोजेक्ट के तहत बन रही सुरंग में मलबा भर गया था। 13 नवंबर को ऑक्सीजन पहुंचाने वाले पाइप के जरिए मजदूरों से संपर्क किया गया और उनके सुरक्षित होने की खबर मिली। 14 नवंबर को मशीन की मदद से ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू की गई। 16 नवंबर को दिल्ली से लाई गई ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग शुरू हुई। 17 नवंबर को 60 मीटर लंबे मलबे को चीर कर करीब 24 मीटर ड्रिलिंग पूरी की गई। 21 नवंबर को बचाव कर्मियों ने अंदर फंसे मजदूरों से बातचीत का पहला वीडियो जारी किया। 22 नवंबर को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में एक स्पेशल वार्ड तैयार किया गया और टनल के बाहर एम्बुलेंस तैनात कर दी गई। 23 नवंबर को लोहे की छड़ों की वजह से ड्रिलिंग में 6 घंटे की देरी हुई। सिलक्यारा की तरफ से पाइप डालने का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन विशेषज्ञ इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं मशीनों के तेज कंपन से सुरंग में फिर से मलबा ना गिर जाए। अगर ऐसा हुआ तो रेस्क्यू टीम के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसी वजह से मजदूरों को निकालने के लिए दूसरे प्लान पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, ताकि सिलक्यारा की ओर से रेस्क्यू का प्लान फेल होने पर टनल के दूसरे हिस्से से मजदूरों को निकाला जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान। कुछ देर के लिए पीएम मोदी ने तेजस का कंट्रोल भी संभाला। सोशल मीडिया एक्सपर्ट पीएम ने लिखा, मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर बंपर वोटिंग, 72.57% मतदान ने तोड़े कई रिकॉर्ड। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत ने वोट डाला, वसुंधरा राजे ने झालावाड़ और जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया मतदान। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया पिछड़े वर्ग को धोखा देने का आरोप। तेलंगाना की रैली में कहा, जमानत पर बाहर टहल रहे कांग्रेस के नेता पिछड़े वर्ग को दे रहे हैं गाली। और पीसी को चोर कहने के कारण कांग्रेस को एक नेता को कोर्ट ने 2 साल की सजा लगा दी है, अभी जमानत पे घूम रहे हैं। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ ने जमकर किया प्रचार। कल भी बीजेपी के दिग्गज करेंगे प्रचार। सवाल के बदले पैसों के मामले में बढ़ी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें। सीबीआई ने शुरू की मामले की जांच। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स को सस्पेंड करने की मांग। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखे थे चुनावी वादे। उत्तरकाशी में टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 2 दिन में शुरू हो सकती है वर्टिकल ड्रिलिंग। सीएम धामी ने किया सुरंग का मुआयना। एनडीएमए ने कहा, मजदूरों को निकालने में लग सकता है वक्त। एट द मोमेंट द ऑगर इज बीइंग रिमूव्ड, देन दिस मैनुअल एफर्ट विल स्टार्ट इन द हॉरिजॉन्टल साइड। एंड अबाउट द वर्टिकल ड्रिलिंग, वर्टिकल ड्रिलिंग विल परहैप्स स्टार्ट इन अबाउट 48 आवर्स। केरल के कोच्चि में सीयूएसएटी यूनिवर्सिटी में भगदड़ में 4 छात्रों की मौत। संगीत समारोह के दौरान अचानक बारिश आ जाने से मची भगदड़। हादसे में 60 से ज्यादा छात्र घायल। यूपी के प्रयागराज में बस कंडक्टर पर चापर से जानलेवा हमला। मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी लारे भाषमी को पकड़ा। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में लगी गोली। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में सजा का ऐलान। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने हत्या के 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साल 2008 में दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी सौम्या विश्वनाथन की हत्या। पंजाबी सिंगर गिपी ग्रेवाल के घर पर कनाडा में फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली फायरिंग की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सलमान खान को भी दी खुली धमकी। महाकोश
कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। पहाड़ की मिट्टी बेहद भुरभुरी है और डर यह है कि भारी भरकम मशीनों के चलने से होने वाली कंपन की वजह से कहीं सुरंग में और मलबा ना गिर जाए। इसी वजह से मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए दो अलग अलग प्लान पर भी काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक पहले प्लान के तहत सुरंग में वर्टिकल ड्रिलिंग यानी ऊपर से छेद करके मजदूरों तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, लेकिन इस काम में 10 से 15 दिन का वक्त और लग सकता है। जबकि दूसरा प्लान टनल के दूसरे छोर यानी डंडाल गांव की ओर से पहाड़ तोड़कर मजदूरों